इंटरफेस क्या है बोलो। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस सॉरी इंटरफेस बोलो। सो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस बताओ सत्यम। इनहेरिटेंस क्या है? यस सर, इनहेरिटेंस सर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास इज इनहेरिटेंस। सर क्यों यूज करते हैं इनहेरिटेंस? क्या अचीव इससे? क्या प्रॉब मीन्स हम क्या अचीव करते हैं? इनहेरिटेंस से हम सर प्रीड मेथड्स की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर सकते हैं सर, लॉजिक को रिक्रिएट कर सकते हैं और अब कर सकते हैं। पर्पज क्या है इसका? एक्सटेंडिंग प्रॉपर्टी एंड रीयूजिंग। ठीक है, एक्सटेंडिंग प्रॉपर्टी एंड रीयूजिंग। रीयूज करना अपने डेटा, अपने लॉजिक को हम रीयूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंडिंग प्रॉपर्टी क्या? एक्सटेंड कीवर्ड्स की हेल्प से हम क्या चीजों को पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में डेटा को हम क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं इसके लिए? एक्सटेंड करने के लिए, प्रॉपर्टी को एक्सटेंड एक्सटेंड्स करने, एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, रीयूज करने के लिए, रीयूज करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? कैसे रीयूज बनाएंगे कोड को? हाँ, कीवर्ड हेलो, बोलो बोलो। रीयूजेबल कैसे? रीयूजेबल कैसे बनाते हैं? चलो ठीक है, देखो सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आपको क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि एक्सटेंडिंग प्रॉपर्टीज, जो बहुत अब डेफिनेशन बोल रहे ना, एक्सटेंडिंग प्रॉपर्टी, तो एक्सटेंड करना, प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करना, और दूसरा होता है रीयूजेबल, रीयूजेबिलिटी अचीव करना। तो रीयूजेबिलिटी कैसे अचीव करेंगे? तो दोनों में दो चीजें प्रोवाइड करता है इनहेरिटेंस, है ना? देखो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्लास है, एक एग्जांपल लेते हैं। क्लास क्लास ए क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एक्सटेंड करना मीन्स इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन। इज रिलेशन और एक होता हैज अ रिलेशन। ठीक है, इज अ रिलेशन और हैज अ रिलेशन। इज अ रिलेशन हम अचीव करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड्स। एक्सटेंड्स कीवर्ड्स प्रोवाइड बताता है क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इज है या हैज है। तो ये सारी चीजें साथ हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं, है ना? याद है इज अ रिलेशन कैसे अचीव करते हैं, कैसे हम एनालाइज करेंगे कि इन दोनों में क्या इज अ रिलेशन है या नहीं, और हैज अ रिलेशन भी हमने कवर किया है, याद है? हेलो,
रिवाइज कराए या फिर क्लियर? नहीं सर, क्लियर है जी, है जी आप। हाँ सभी को क्लियर है ना? चल ठीक है। तो इनहेरिटेंस में सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में इनका रिलेशन क्या है, इज अ है या हैज अ रिलेशन है। ठीक है, अगर इज अ रिलेशन है तो हम उसको अचीव करेंगे किससे, एक्सपर्ट से। अगर हैज अ रिलेशन है तो हम यूज करेंगे न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड। और हैज अ रिलेशन में हमारे पास दो रूल्स हैं। फर्स्ट रूल जो कहलाता है वो होता है कंपोजिशन का, दूसरा कहलाता है एग्रीगेशन। तो हैज अ रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट कौन कौन सा आता है, कंपोजिशन एग्रीगेशन। ठीक है, देखो यहां आपको मैं एक नोट डाउन करा रहा हूं थोड़ा सा, आपको क्लियर हो जाएगी। वो या फिर एक काम कर लो, ऐसे रहने दो इसको, मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इज अ रिलेशन कहलाता है इनहेरिटेंस। इज अ रिलेशन जहां भी उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। हैज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन कहलाता है, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। कैसे कैसे है इसको मैं अभी बता रहा हूँ। इसको हैज रिलेशन जो आती है, एक कहते हैं हम कंपोजिशन, हैज रिलेशन में क्या आता है, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। ठीक है, रिलेशन में कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। इज अ रिलेशन का कोई एक एग्जांपल बताओ, इज अ रिलेशन। जैसे कार, कार इज अ व्हीकल, व्हीकल कार इज अ व्हीकल। ठीक है, और कैट इज अ एनिमल, कैट इज एन एनिमल। ठीक है, ट्रेनर, ट्रेनर इज अ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ट्रेनर इज एन एम्प्लॉय, ट्रेनर एम्प्लॉय हो सकता है, यस रिलेशन। या फिर एम्प्लॉय इज अ पर्सन, एम्प्लॉय पर्सन, ये इज अ रिलेशन के एग्जांपल है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं मैंने बताया, तो जो भी कॉमन नेम होगा, मैंने आपको बताया जो कॉमन नेम होगा वो मेन टाइप कहलाता है। कि जो सब टाइप्स होंगे तो इसमें देखते हैं जिसके सब टाइप्स हैं वो क्या किसके अंदर आते हैं,
इज अ रिलेशन के अंदर आता है। में इज अ रिलेशन जो है हम अचीव करते हैं, हमारे पास इज अ रिलेशन अचीव करने के लिए दो कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स, सॉरी एक्सटेंस कीवर्ड, दूसरा इंप्लीमेंट्स कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स, एक कीवर्ड जो है एक्सटेंस है, दूसरा इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। तो दो कीवर्ड्स है, इसका यूज क्या है? इज अ रिलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। इज अ रिलेशन कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, इसके लिए हमारे पास दो कीवर्ड है, वो है एक्सटेंस कीवर्ड, दूसरा इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। तो इज एक्सटेंस कीवर्ड्स मेनली हम यूज करते हैं, एक्सटेंस कीवर्ड जो हम यूज कब करते हैं आप, कि दो क्लासेस या दो इंटरफेसेस के बीच, दोनों क्या होनी चाहिए, क्लास या फिर दोनों क्या होने चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए, इन दोनों एक्सटेंड करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, मींस इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड। इंप्लीमेंट्स कब यूज करते हैं? सर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्लास एंड इंटरफेस के बीच, क्लास एक क्लास है, दूसरा क्या है इंटरफेस है, इन दोनों को इंप्लीमेंट करना है तो हम यूज करेंगे इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ एक्सटेंड्स कीवर्ड इज यूज्ड बिटवीन बिटवीन टू क्लासेस। Extends keyword is used between two classes or two interfaces. ठीक है, दो क्लासेस और दो इंटरफेसेस के बीच हम यूज करते हैं extends keyword. Implements keywords कब यूज करते हैं? Is used between a class and interface, between a class and interface. दो क्लासेस है, जैसे कि क्लास ए क्लास बी, हमने क्या यूज किया एक्सटेंड्स कीवर्ड। दो क्लासेस के बीच में हम यूज करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड, और दो इंटरफेस के बीच में हम यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, इंटरफेस पी और इंटरफेस क्यू। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड करना है P को, तो क्या करेंगे, इसके एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे या इंप्लीमेंट्स? यहाँ 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 क्या यूज करेंगे? एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है, एक्सटेंड्स P, इंटरफेस को P में, इसकी जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हम चाहते हैं एक्सटेंड करना प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज एंड वेरिएबल को, तो यहाँ पास इंटरफेस में इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज नहीं किया जाता है, क्या यूज करेंगे? एक्सटेंड्स। क्लियर? तो दोनों क्लासेस के बीच या दोनों इंटरफेसेस के बीच हम यूज करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड, लेकिन एक क्लास है दूसरा इंटरफेस है तो हम यूज करते हैं इंप्लीमेंट्स। ठीक है, चलो एक मैं और सिंटेक्स लिख रहा हूँ, बताना वैलिड है या इनवैलिड। साक्षी बताओ, इंटरफेस पी इंटरफेस इंप्लीमेंट
इम्प्लीमेंट्स, अब हमने इम्प्लीमेंट किया किसको, बी, क्लास बी को, क्लास बी। एक और ले लो, क्लास क्लास इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट्स क्यू। क्लास एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए चलो सी ले लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास सी इंप्लीमेंट्स, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास सी extends class A implements implements B। तो यहाँ abstract class C है क्या? नहीं है, ठीक है, एक abstract class भी बनाते हैं कि आप लोग एक क्लास भी ले लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास सी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसका मैंने क्या है किसको एक्सटेंड किया, इससे ए को एक्सटेंड किया, किसमें, ए में, है ना, ए को नहीं रहने दो, ए पहले से बना है, ए छोड़ो, एक्सटेंड क्लास इसको डी कर लो, ठीक है, क्लास का नाम एक्सटेंड डी इंप्लीमेंट बी, हाँ कर लो, का नाम क्या है, डी, है ना, क्लास क्लास डी है, इसको इसमें क्या है, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, दूसरा डी क्लास है, यहाँ इसने क्या किया है, एक्सटेंड किया है, ठीक है। थोड़ा सा और आपको डायग्राम आपको विजिबल हो सके, क्लियर, तो कैसे यूज कर ले, इधर थोड़ा सा ऐड कर ले, ये है डी क्लास और ये है इंटरफेस, ये है बताओ, ये जो मैंने लिखा है ये सारे जो नीचे वाले हैं ये करेक्ट है, इसमें सॉरी रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है कि मैंने गलत कहा लिखा, चलो बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, मैंने क्लास जो डिक्लेयर किया है वो रॉन्ग है, या फिर हमने जो एक्सटेंड किया है या इम्प्लीमेंट्स किया है एक क्लास को दूसरी क्लास से, या फिर इंटरफेस को किसी क्लास से, तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, फटाफट एनालाइज करो बताओ, या इसमें से रॉन्ग बताओ कौन कौन सा है, साक्षी जी सर, कौन सा आपको रॉन्ग लगा है स्टेटमेंट, गलत,
कौन सा सही नहीं है बताओ। सर वैसे तो अभी ठीक लग रहे हैं। वैसे सभी ठीक है लेकिन एक्चुअली रॉन्ग है कौन सा। वैसे तो सभी तो बताओ। सर सही तो लग रहा है। सही सारे लग रहे हैं। सर लग तो रहे हैं। अच्छा और बाकी लोग सभी लोग ट्राई करो। चलो बताओ सत्यम बताओ या विश्वास बताओ। विश्वास तो आया नहीं सर ये मूवी जो बताओ। एब्सेंट क्लास सी एक्सटेंड डी इम्प्लीमेंट पी ये वाला सर मेरे को रॉन्ग लग रहा है लगभग। अच्छा तो क्या होना चाहिए राइट आप बताओ। वो तो सर आप बताएंगे। अच्छा इसका मतलब गेस कर रहे हो तुम्हें। चल ठीक है हाँ दूसरा बताओ। और कोई दूसरा बताओ। अच्छा फटाफट यार टाइम नहीं है जल्दी जल्दी बताओ तब जल्दी जल्दी कंप्लीट करें कोर्स आप लोग का। हेलो सर बता दीजिए एक बार, क्लियर नहीं हुआ अभी से एक बार। सुबह सारे लोग नींद में रहते हैं। नहीं सर एक क्लास एक इंटरफेस है सर, तो इम्प्लीमेंट है सर। ठीक है। सर 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 ये लास्ट वाला लग रहा है। कौन सा लास्ट वाला के क्लास क्लास ए इम्प्लीमेंट क्यू। क्लास ए इम्प्लीमेंट्स क्यू। अच्छा ठीक है और बाकी लोग बताओ। सर क्योंकि क्लास कभी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। अभी तो बताया यार क्लास ही तो है जो इम्प्लीमेंट्स करेगी। यहाँ क्या डेफिनेशन लिखा है इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड हम यूज कहाँ करेंगे एक क्लास और इंटरफेस के बीच। तो क्लास ए है ना ये क्लास ए और इंटरफेस क्यू इंटरफेस है। इन दोनों के बीच में इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया तो है यार। क्यों चलो आ जाओ आईडी तो पे। फिर तो ठीक फिर तो सारे ठीक है। नहीं सारे ठीक नहीं। कभी भी याद रखना इंटरफेस जो है वो क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। कभी भी इंटरफेस क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पर देखो रिवर्स दिख रहा है ना क्लास पी इम्प्लीमेंट्स बी। बी क्या है क्लास है ना। हाँ तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका रॉन्ग है। कभी भी ये नहीं होगा ठीक है। कौन सा सर स्टेटमेंट सर। सर अरे ये यार इंटरफेस कैसे इम्प्लीमेंट करेगा क्लास को। ये इंटरफेस पी है ना। पी क्या है एक इंटरफेस है। बी क्या है क्लास है। तो क्लास हमेशा इम्प्लीमेंट करेगा इंटरफेस को। इंटरफेस में क्या होंगे एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती हैं। इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है इसलिए हम क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्लास जो होगी क्लास ये वाली वैलिड ये सिंटैक्स वैलिड है कि क्लास ए जो है इम्प्लीमेंट करता है क्यू को ठीक है। लेकिन इंटरफेस इम्प्लीमेंट करेगा क्लास में नहीं। क्लियर। देखो पूरा एक एक स्टेटमेंट आपको लिख के बता रहे हैं। तो देखो ध्यान से इंटरफेस क्या है कॉन्सेप्ट अभी इनहेरिटेंस का ना। इनहेरिटेंस में एक क्लास लेते हैं। क्लास क्लास का नेम क्या है क्लास ए। दूसरा दूसरा क्लास बी। क्लास बी
सी क्लास डी, कितने हो गए क्लास डी, फोर क्लासेस हैं। और क्या है इंटरफेस है, इंटरफेस इंटरफेस कौन कौन से हैं, इंटरफेस पी, इंटरफेस पी और इंटरफेस क्या है आपको, इंटरफेस पी क्यू है ना। तो इंटरफेस है और चार हमारे पास क्या है क्लासेस हैं, तो क्लास ए और क्लास बी, क्लास बी को क्लास बी एक्सटेंड करता है क्लास ए को, मींस क्लास ए की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड ए, ठीक है, ये स्टेटमेंट वैलिड है, कोई इशू यहाँ पास। दूसरी क्लास क्या है हमारे पास यहाँ, इंटरफेस है ना, इंटरफेस पी और इंटरफेस क्या है क्यू। तो यहाँ इंप्लीमेंट्स करेंगे, नहीं इंप्लीमेंट्स नहीं होगा क्योंकि इंप्लीमेंट्स कीवर्ड नहीं होगा, क्या है इंटरफेस को हमेशा हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड्स करो पी, ये हमेशा एक्सटेंड्स किया जाए, एक इंटरफेस हमेशा दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा। लेकिन आपने बोला कि स्टेटमेंट एक इंटरफेस क्या है, इंटरफेस पी है जो इंप्लीमेंट कर रहा है क्लास बी को, इंटरफेस पी, इंटरफेस पी इंप्लीमेंट्स किसको, क्लास बी को ना। हाँ देखो क्या है प्रॉब्लम आया, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन इंप्लीमेंट्स, समझ में ये प्रॉब्लम क्या है, इंटरफेस क्लास को इंप्लीमेंट नहीं करेगा ना सर। हाँ कभी भी नहीं करेगा, और एक्सटेंड इसलिए नहीं करेगा, अगर आप बोलोगे कि सर एक क्लास है इसको एक्सटेंड कर लो, तो एक्सटेंड क्या करेगा, एक्सटेंड कीवर्ड तो सही है लेकिन ये क्या है बी क्लास है, ये क्लास है तो कभी भी नहीं होगा। तो क्या लिखा है, द टाइप बी कैन नॉट बी सुपर इंटरफेस ऑफ पी, क्यों, क्योंकि ये सुपर इंटरफेस नहीं है इसका, मींस पेरेंट नहीं है, ये क्या है क्लास है। क्लियर, बी एक क्लास है तो ये इसका होना चाहिए सुपर इंटरफेस, क्या होना चाहिए सुपर जो होगी वो इंटरफेस होनी चाहिए, ये क्या है क्लास है, तो कभी भी ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, ये क्या होगा ये वाला रॉन्ग है। यहाँ पास हमेशा क्या होगा, एक इंटरफेस का पेरेंट हमेशा इंटरफेस होगा, क्लास नहीं हो सकता, ठीक है। ये दूसरा एरर क्यों आ रही है, ठीक है चलो, इंटरफेस पब्लिक इंटरफेस कंट्रोल गेट, नेक्स्ट। अब देखो क्या है, हमने बनाया सी और डी, सी क्या है क्लास है, इधर मैंने क्या दिया, सी एक क्लास है, सॉरी सी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और डी इन दोनों में देखो डी क्या है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और डी जो है वो क्या है आपका एक नॉर्मल क्लास है, मीन्स कॉन्क्रीट क्लास है जिसके फुल्ली इम्प्लीमेंटेड क्लास, तो एक्सटेंड हमने किया डी, पॉसिबल है ठीक है। तो एक क्लास क्या है, दूसरी क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पास प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ कि अगर आप यहाँ कोई मैथ क्रिएट करते हैं, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मान लो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, जैसे अच्छा इसको भी छोड़ो आगे बता रहे, यहाँ पास स्टेटमेंट समझ में आया क्या, कौन कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है,
कौन सा इनवैलिड। यहाँ पास एक चीज और क्या, इम्प्लीमेंट्स पी, यहाँ मैंने इम्प्लीमेंट किया पी, बताओ इम्प्लीमेंट्स कर सकता है इम्प्लीमेंट्स पी, क्योंकि एक क्लास जो है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ये क्या है, क्लास डी जो है ये इम्प्लीमेंट कर रहा पी को, कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पास क्या है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसलिए हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्लास डी को एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि क्लास है, एक क्लास दूसरे क्लास को हमेशा एक्सटेंड करता है। तो क्लास जो ये क्लास है सी और डी, सर हम दो क्लास को एक्सटेंड भी नहीं कर सकते हैं क्लास में। हाँ, दो क्लास को नहीं एक्सटेंड कर सकते। अगर आपने वो सोचा कि मैं एक्सटेंड कर लूँ क्लास ए को, तो प्रॉब्लम है यहाँ पास। क्यों, कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा क्या प्रॉब्लम आएगी? जावा सपोर्ट नहीं करेगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, तो इसीलिए हमने यूज किया कि इसको इंटरफेस को, कि इंटरफेस मल्टीपल हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल इंटरफेस सब कर सकते हैं, जैसे कि ये पी है और क्यू आर ले लो, एक और ले लेते हैं इसमें कंट्रोल, क्या है आर, आर एक इंटरफेस है, इसको इंप्लीमेंट करो आर। देखो यहाँ पास बता रहा ना, आर एक इंटरफेस है AIT.com.inheritance पैकेज के अंदर। ठीक है, कोई इशू यहाँ पास मल्टीपल 1, 2, 3, 4, 100, 200 जितना भी हो, आप सारे के सारे इन इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस क्लास के अंदर। क्लियर हुआ? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग था वाला ना, बाकी सारे करेक्ट। ठीक है, हेलो, चले आगे। हाँ सर, देखो अब हमें एक फोकस करना है किन सिनेरियो पे, कि जो इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन हम अचीव करते हैं, हमारे पास दो कीवर्ड है, एक्सटेंड कीवर्ड्स और इंप्लीमेंट्स कीवर्ड्स। लेकिन एक्सटेंड कीवर्ड्स के भी अपने रूल हैं कि हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंट्स का भी अपना एक रूल है। तो इंप्लीमेंट्स हमेशा यूज करते हैं क्लास और इंटरफेस के बीच, और एक्सटेंड यूज करते हैं क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस जो भी कोई भी क्लासेस होंगी और इंटरफेसेस के बीच, सॉरी मल्टीपल मीन्स जैसे दो क्लास है, क्लास ए ए और क्लास बी के बीच, या फिर इंटरफेस बी के बीच एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और मल्टीपल क्या है, क्लास हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल इंटरफेस हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पास इंटरफेस, इंटरफेस किधर है, पी क्यू आर, इधर क्या है, एक इंटरफेस है ना, कौन सा आर, यहाँ आर एक्सटेंड किया, इधर कोई प्रॉब्लम, आईडी में कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं। तो यहाँ मल्टीपल इंटरफेस हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट क्लास मल्टीपल एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये कि सर यहाँ एक्सटेंड कीवर्ड है, ये PQ को एक्सटेंड कर रहा है, ये तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ ना के हर एक्सटेंड कीवर्ड देख के एनालाइज मत करना यार, क्लास देखना है, क्लास है या इंटरफेस है। इंप्लीमेंट्स और इंटरफेस, ये दोनों कीवर्ड क्लियर हुए, सॉरी इंप्लीमेंट्स और एक्सटेंड कीवर्ड्स यूज करना। अब आ जाओ सर, इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन अचीव करने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, वो हैं एक्सटेंड्स और इंप्लीमेंट्स। ठीक, अब हैज अ रिलेशन की, हैज अ रिलेशन कैसे अचीव करते हैं,
क्लास हमारे पास है कौन सी, क्लास ए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए और क्लास बी एक्सटेंड करता है, क्लास सी जो है ये दूसरी क्लास है, क्लास डी, तो क्लास ए और क्लास डी ये दो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है एम्प्टी है ज्यादा, दोनों सुपर क्लासेस है, ठीक है, क्लास ए जो है क्लास ए एंड क्लास डी, ठीक है, इसके पास क्या है एक क्लास डी को ले ले, मेन मेथड है, मेन मेथड, इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू का, न्यू क्लास ए, ए क्लास, ठीक है, इसके पास एक void मेथड है, void, void मेथड का नेम ले लो get sms या send sms, ठीक है, send, send sms message, send message, ठीक है, इसने एक मेथड क्रिएट करके रखा है, डिफाइन करके रखा है, जो कि वो मेथड सेंड करता है sys stress, क्लास ए के पास जो मेथड है वो इसे यूज किया है ओनली मैसेज सेंड करना, तो क्लास डी को, क्लास डी का जो बिहेवियर क्या है वो जैसे क्या बोल सकते हैं, तो ये एक इसकी बिहेवियर अलग है, ये अलग फैमिली से बिलोंग करता है, और जो है क्लास ए अलग फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, दोनों की फैमिली, फैमिली में तो समझ में आ रहा है ना, दोनों का पेरेंट, दोनों का टाइप, मेन टाइप जो है डिफरेंट है, जैसे एक जो है, एक का मेन टाइप जो है वो पर्सन है, दूसरे का मेन टाइप है वो व्हीकल है, ठीक है, लेकिन देखो अगर मान लो अगर नाम में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं नेम से रखू, या फिर एग्जाम्पल समझ जाओगे कि नेम रखू मैं व्हीकल, पर्सन, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, उस तरह से समझ में आएगा, क्लियर, क्लास का नेम चेंज कर दूं, कंफ्यूज हो जाओगे ए और डी बी में है, हाँ चलो फिजिकल नेम रखते हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी, एक उप कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए इसमें नेम रखना जरूरी है तब समझ में आएगा, है ना, चलो एक क्लास की, क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम, क्लास एक हमारे पास मान लो स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट नहीं एम्प्लॉय ले लो, ठीक है, एम्प्लॉय कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का जो किस टाइप का ये है, एम्प्लॉय पर्सन, दूसरा, यस सर, हाँ, दूसरी क्लास क्या है एम्प्लॉय, दूसरी क्लास है कार, कार हो सकती है कोई सी भी कार, अब कार के पास क्या है, कार के पास क्या है, कार होगा तो कार के पास क्या होगा, एक इंजन होगा जिसमें क्या होगी, चाबी लगाने से वो इंजन स्टार्ट होगी, लेकिन चाबी कौन लगाएगा, कौन स्टार्ट करेगा, कार अपने आप स्टार्ट होगी या फिर एम्प्लॉय स्टार्ट करेगा, कार के पास क्या है, एक इंजन है या फिर उस इंजन को स्टार्ट करने की लॉजिक है, तो यहाँ पास कार के पास मैंने बनाया void start, start engine, start engine, start engine start करो, ठीक है, sys stress,
लॉजिक। यहां मैंने इसका एक मेन मेथड क्रिएट किया, मेन मेथड एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू कार, कार के पास कौन सा है, कार डॉट स्टार्ट इंजन। समझो कंट्रोल एम्प्लॉय का जो रिलेशन है कार के साथ वो किस टाइप का रिलेशन है, इज अ रिलेशन है या फिर हैज अ रिलेशन है। ये भी प्रॉपर्टी या इसकी बिहेवियर को यूज कर रहा है, कॉल कर रहा है इसकी इस क्लास को या नहीं, इसकी इससे यूज कर रहा है कि नहीं इसकी चीजों को, कार के प्रॉपर्टी को, कार के मेथड्स को, मेथड को यूज कर रहा है। तो यहां कौन सा रिलेशन कहलाएगा, इज अ या हैज अ? सर हैज अ, हैज अ रिलेशन। तो हैज अ रिलेशन का मतलब ये है कि एम्प्लॉय हैज अ कार, एम्प्लॉय का के पास क्या है, कार है, वो क्या है यूज कर सकता है कार, कार के ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करेगा। यहाँ पर अगर मैं इसको एम्प्लॉय इज अ बनाता हूँ, इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन मान लो देता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ कार को, एक्सटेंड करूंगा कार को, तो यहाँ पास क्या होगा प्रॉब्लम कि यहाँ एक्सटेंड करने से क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं एक्सटेंड कर लूं और बोलूं कि कार का इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, किसका है डायरेक्ट, आप क्या करो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसके मेथड मिल जाएंगे, ठीक है। तो न्यू एम्प्लॉय डॉट स्टार्ट इंजन, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ, इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है वो तो, एक्सटेंड्स और ये न्यू कीवर्ड से अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या आएगी, क्यों यूज कर सकते हैं या नहीं? सर इज अ रिलेशन लगा दिया तो सर एक वो हो गया टाइटली, सर एक हो गया सर एज ए में तो कर सकते हैं सर, न्यू एम्प्लॉई ऐसे करके सर, बट हैज ए में नहीं कर सकते सर ऐसे। तो यहाँ अगर मैं एम्प्लॉय कर रहा हूँ स्टार्ट, जैसे कि एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने एक्सटेंड कर लिया कार को, कि कार की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड किया, तो इसका मतलब क्या है, इसने यूज करने का ट्राई किया, इसके लॉजिक को एक्सटेंड किया कि इसकी जो लॉजिक है हमें रिटर्न करो हमको, ठीक है। लेकिन इज अ रिलेशन जो है, इज अ रिलेशन क्या होता है, फुल्ली जो उसको बोलते हैं फुल्ली टाइटली कपल्ड होता है। रीजन क्या है, देखो रीजन क्या है कि जब एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, जब हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पर बाय डिफॉल्ट कार का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, 100% कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहां जबकि हमें मान लो कार की ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ वन टाइम है, वो भी स्टार्ट करने पर, एम्प्लॉय के साथ मल्टीपल वर्क हो सकते हैं, जैसे कि अभी वो ऑफिस में है तो उसके साथ उसका कार का ऑब्जेक्ट है, नहीं वो कैंटीन में हो, मॉल में हो, थिएटर में हो, तो ऑल टाइम उसके साथ कार तो नहीं रहेगा ना, हर जगह कार का यूज क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसके रूम से उसके ऑफिस तक जाने का, ठीक है, वहां से चला के फिर बाकी टाइम क्या है, कार कहाँ होगी, पार्क में, अब उसके पार्किंग में उसकी कार होगी और वो ऑफिस में होगा, तो ऑल टाइम हमेशा इसके साथ टोटली क्या होगा, अगर एक्सटेंड कीवर्ड यूज है तो टोटली कनेक्ट होगा, कि जैसे कि कार की चाबी है ना, कार की चाबी क्या होती है, इंसान के पास हमेशा कनेक्ट होती है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि चाबी भी अलग हो। तो जो जो चीजें यूज कर रहा है एम्प्लॉय, सिर्फ यूज कर रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और अननेसेसरी कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं
तो पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, क्यों? क्योंकि पर्सन की पूरी प्रॉपर्टी हमेशा बाइंड होगी। उसका ऐसा तो नहीं होगा ना कि इम्प्लॉय जा रहा है तो अपना एक हाथ रख के जा रहा हो टेबल पे, बोले कि एक नेक्स्ट हाथ जो आएगा अपना नेक्स्ट डे लेके जाऊंगा, एक हाथ से आज काम करूंगा ऑफिस में, नहीं ना? समझ में आ रहा कि जो चीजें जिसके बगैर वो कंप्लीट नहीं है, उसको फुल्ली टाइटली कपल कहते हैं। फुल्ली जो होती है टाइटली कपल्ड होती है, लेकिन कार जो होगी टाइटली कपल नहीं है। ये एक प्रकार की रीयूज करने के लिए चीज है। जैसे देखो एग्जाम्पल, यहाँ पास एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास है ये इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दूसरा कार का ऑब्जेक्ट। तो मैंने इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कि कुछ भी इम्प्लॉय है, इम्प्लॉय अपना वर्क कर रहा है, तो वर्किंग टाइम पे उसके बहुत सारे सिनारियो हैं, उसने सारे मेथड्स को कॉल कर रहा है, ठीक है, चलो ठीक। लेकिन उसको 8 घंटे के बाद, उसको 8 घंटे के बाद उसको चाहिए क्या है, कार चाहिए। तो वो कार को उस टाइम पर लोड किया जाएगा, क्या करने के लिए, रूम्स ऑफिस से रूम को ड्रॉप करने के लिए। ऑफिस से रूम को क्या करता है, ये ड्रॉप करने के लिए कार का ऑब्जेक्ट। तो बताओ 8 घंटे के बाद ये मेमोरी में लोड होना चाहिए ये कार, है ना? लेकिन ये क्या है, शुरू से स्टार्टिंग से ही कार का ऑब्जेक्ट लोड होगा। तो इस तरह से हमारे पास मान लो कार, एक कार हो गई, इसको एक्सटेंड कर लिया। दूसरा दूसरा जो है और भी एम्प्लॉय के पास होगा, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हो गया, एम्प्लॉय का जो भी एम्प्लॉय का और क्या क्या काम होगा, तो सभी जो भी काम होंगे इसको क्या किया, इसने लोड कर एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड किया तो प्रॉब्लम्स क्या आएंगे इसको, एक एम्प्लॉय को, कि सारे के सारे इसके ऑब्जेक्ट लोड होंगे। कार किसी किसी और को एक्सटेंड करके रखा हो, जैसे कि कार ने एक्सटेंड कर लिया है किसको, कार कोई, चलो व्हीकल है, व्हीकल की प्रॉपर्टी, ठीक, एक एग्जांपल ले लो, व्हीकल को एक्सटेंड किया। व्हीकल की और भी क्लासेस होंगी, तो इंटरनल एक एग्जांपल समझो कि ये रियल टाइम पे ऐसा हो सकता है कि जो क्लास है, अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो जो उसकी फैमिली का नहीं है, मिस उसका पेरेंट नहीं है, तो उसको एक्सटेंड कर रहे हो, वो उसने किसी और के एक्सटेंड करके रखा, उसने किसी और के एक्सटेंड कर रखा। इसी तरह से 100 जो होंगे, 100 टाइप के डेटा को एक दूसरे ने एक्सटेंड करके रखा है एक लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए। बट आपको रिक्वायरमेंट क्या है, कार के ओनली इस इंजन की, ना कि व्हीकल की किसी और प्रॉपर्टी की। तो उस टाइम पर जब आप इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो जेवीएम में एक्सटेंड्स कीवर्ड्स याद रखना, जो भी जितने भी एक्सटेंड कीवर्ड्स यूज किए होंगे, वो सारी की सारी क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा 100%, ठीक है? तो ये कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, वन ऑब्जेक्ट कार का। अब कार ने किसी दूसरे को एक्सटेंड किया है तो व्हीकल का, व्हीकल ने किसी और को एक्सटेंड किया है तो उसका ऑब्जेक्ट, इसने किसी और की किया, तो इस तरह से इतने ऑब्जेक्ट्स अननेसेसरी लोड होंगे, आपको आइडिया नहीं होगा कितने ऑब्जेक्ट्स लोड हो रहे हैं। अब बताओ आपका एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस हाई होगी, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी, इतने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे अननेसेसरी जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा एक्सटेंड कीवर्ड के डिसएडवांटेज क्या है, कि ये एक्सटेंड्स का मतलब ये है कि जो उसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है उसको लोड ना करें। क्यों? क्योंकि उसको लोड होने से वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है आपके जेवीएम में, रैम में, ठीक है, अननेसेसरी रिकॉर्ड फुल हो गया। तो इसीलिए जो हम जेडीबीसी सर्वलेट पढ़ते हैं, तो सर्वलेट भी एक प्रकार का इसी तरह से बना हुआ है, एक दूसरे की प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर सब। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो अननेसेसरी 100 ऑब्जेक्ट का क्लासेस ऑब्जेक्ट मीन्स मेमोरी क्रिएट हो जाती है। तो आगे चल के इसके स्प्रिंग फ्रेमवर्क में इसको रिजोल्व किया गया है कि ये सारे प्रॉब्लम्स ना आए। फिर स्प्रिंग बूट में इसको रिजोल्व किया गया है लूज कपलिंग का, टोटली लूज कपलिंग बनाई गई है कि सबको अलग कर दो, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, ठीक है? हाँ, तो क्या चीजें आपको बनाना है कि पेरेंट हमेशा
पेरेंट को एक्सटेंड करो, क्योंकि अगर पेरेंट नहीं होगा तो आप कोई चाइल्ड अपनी लॉजिक को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया? पेरेंट एक पर्सन हमने बनाया, पेरेंट इसका पेरेंट एक एम्प्लॉय है, इसका क्या है, ये पर्सन क्या है, पर्सन जो है और ये जो है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और ये जो था कार। ठीक है, तो एम्प्लॉय जो है इसके पास ये टोटली क्या होगा, कनेक्टेड होगा, क्योंकि पर्सन की जो भी प्रॉपर्टी होंगी, मान लो आपने रीयूज उसको क्या किया है, एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड क्या किया है, इसके पास है प्रॉपर्टीज क्या करने के लिए, पर्सन के पास प्रॉपर्टी या बिहेवियर्स की है स्लीप, स्लीप स्लीप ईट कोई भी होंगे पर्सन टाइप के, सारे पर्सन का काम है सोना और खाना। तो अननेसेसरी हमें यहाँ पास लॉजिक क्या करना है कि जरूरत क्या बोलते हैं लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा लोड होगा। तो पर्सन हमेशा किसकी टाइप का होगा, जो भी इम्प्लॉय होगा वो पर्सन टाइप के फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन कार की जरूरत नहीं है, कार की जरूरत कब पड़ेगी, क्योंकि दूसरे वेरिएबल क्या है, दूसरा डेटा टाइप से इसका। तो हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पर्सन का ऑब्जेक्ट लोड होगा। ठीक है, यहाँ पास JVM में मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किधर है JVM, यहाँ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले एम्प्लॉय लोड होगा, एम्प्लॉय क्लास लोड होगी, यस क्लास एम्प्लॉय क्लास लोड होगी। तो जैसे ही लोड होगी तो ये इसका क्या है, एक्सटेंड किया है किसको, पेरेंट को, तो ये पेरेंट भी लोड किया जाएगा। तो याद रखना, तो जब भी एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पर इसकी पेरेंट क्लास भी लोड होगी, दोनों क्लास लोड किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका है, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय को कोई भी रिक्वायरमेंट होगी स्लीप मेथड की तो वो पर्सन क्लास के पास जाएगा कि नहीं, 100% जाएगा। तो उसको हमेशा क्या होगा, वो कनेक्टेड होगा, दोनों क्लास एक साथ लोड की जाएंगे, क्योंकि इसके बिना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्लीप मेथड है। अब स्लीप मेथड किसके पास है, पर्सन के पास है। तो क्लियर हुआ, एक्सटेंड कीवर्ड लिखने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि अननेसेसरी JVM में इसकी क्या होगी, मेमोरी क्रिएट होंगी। तो आप नहीं चाहते हैं कि अननेसेसरी ऑल टाइम जब तक आप रन हो रहा है तब तक वो पड़ा रहे। हाँ, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स आपको जो टाइटली कपलिंग बनाते हैं कि ये चीजें होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरा डिपेंड है अपने पेरेंट के ऊपर, आपके पास कुछ भी लॉजिक नहीं है, सारी लॉजिक पेरेंट के ऊपर है, आपके पास ओनली सिंगल मेथड है, बाकी सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, सारे ओल्ड रिकॉर्ड या ओल्ड डेटा, सब प्रॉपर्टीज, सारे बिहेवियर पेरेंट के पास है। तो उस टाइम पे आपके पास तो कुछ नहीं है, तो सब क्या है, बस सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, लेकिन सब एक्सेस किससे किए जाएंगे, पेरेंट से। तो उस टाइम पे पेरेंट को लोड होना जरूरी है। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड हम हमेशा किस पे लगाते हैं, जो फुल्ली, जो टोटली क्या है, टाइटली कपल्ड है, उनको अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए फैमिली से हम बिलोंग करते हैं कि जैसे कि पर्सन है एम्प्लॉय टाइप का होगा, कार है, कार का टाइप होगा व्हीकल, तो व्हीकल और कार का रिलेशन कभी भी क्या होंगे, खत्म नहीं होंगे, वो हमेशा टाइटली कनेक्टेड होंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में हम हमेशा यूज करेंगे क्या, एक्सटेंड्स कीवर्ड्स। और इन जो कार है यूज कर रहा है, इसको हम यूज करेंगे हैज अ रिलेशन। क्यों, क्योंकि हैज अ रिलेशन यूज करने से क्या होगा कि जब हमें इसकी जरूरत होगी कार की, तभी हम JVM में लोड करेंगे। जैसे ही इस कार का काम खत्म, JVM को बोलेंगे कि हे JVM, इस कार के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो।
इस कार के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करो, ठीक है। तो यहां जो होगा देखो, ये कौन सा है, इधर मेथड एरिया है, इधर दूसरा हीप एरिया। तो यहां क्रिएट होगा जब पर्सन का ऑब्जेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट कंटेन करता है किसको, किसको कंटेन करेगा, पर्सन का, है ना। तो ये है पर्सन, इधर बना दे, चलो यहाँ ले लो एम्प्लॉय और पर्सन, ठीक है। ये है कंटेन क्या है पर्सन का। दूसरा जो है, इसको जरूरत पड़ी किसकी, कार की। कार ऑब्जेक्ट आया, कार का इसका जो भी काम था इसने काम किया। गार्बेज कलेक्टर आएगा, इसको देखिएगा, इसका काम खत्म है तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसकी मेमोरी क्या होगी, खत्म। फिर जरूरत पड़ेगी, फिर से कार आएगा, कार का काम हुआ, कार फिर डिस्ट्रॉय करो। तो जब जरूरत पड़ेगी तभी हीप एरिया में वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट लोड होंगे, अगर जरूरत नहीं है तो उसको। तो इस ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, हैज अ रिलेशन, कि जब जरूरत है तब वो चीजें आए। बाकी जो जरूरत नहीं भी होगा तो उस टाइम पर भी ये ऑब्जेक्ट लोड होंगे, वो किसी वो क्या क्या लाते हैं आपके एक्सटेंड्स कीवर्ड्स, ठीक है। समझ में आया एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। ऐसे नहीं है कि अननेसेसरी आप एक्सटेंड कीवर्ड सारी प्रॉपर्टी सारे जितने भी क्लासेस है सबको एक्सटेंड करने लगो, ठीक है। सभी को एक्सटेंड नहीं करना है यार, याद रखना। क्यों क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पता चला क्या है, हेलो, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करने का प्रॉब्लम क्या है मालूम हुआ नहीं? यस सर। किसको क्लियर नहीं हुआ यार, बोलो। सत्यम क्लियर हुआ, हो गया सर, हो गया सर। अनएक्सपेक्टेड मेमोरी सर क्रिएट हो जाएगी सर उसमें। हाँ, अनएक्सपेक्टेड मेमोरी होगी, और वो मेमोरी क्या आपके एप्लीकेशन हैवी होगा ना, ठीक है। तो सर्वलेट जो था इतना हैवी क्यों है, अगर वो कोई चीजें लोड हो रही है सर्वर पे तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट इतने ज्यादा हो जा रहे हैं कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स को लोड करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ ज्यादातर क्या हुआ, सब एक्सटेंड किया गया पेजेस है, एक चीजें दूसरे को एक्सटेंड करते, तीसरा चौथे को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। जब वहां चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सर्वलेट में, देखिए वहां कितना चीजों को एक्सटेंड करके बनाया गया। तो एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं एचटीटीपी सर्वलेट, तो वो किसको एक्सटेंड किया है, जेनरिक सर्वलेट, वो किसको एक्सटेंड किया, सर्वलेट को। सर्वलेट किसको, ऐसे इस तरह से उसने कितने सारी चीजों को एक्सटेंड की गई है, तो वो चीजें प्रॉब्लम्स वहां पर क्रिएट करती है। क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट लोड होंगे। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, रिक्वेस्ट लोड करेगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट सर्वलेट सर, इसको फिर इसको उसने जैसे कि सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो चलो आगे बताएंगे ये सारी चीजें क्या है इनका। तो ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हमारा सिर्फ एक क्या है, स्मॉल सा मेमोरी क्रिएट हो, डेटा जो आ रही है फ्रंट एंड से वो स्टोर हो और हम पास कर सके। लेकिन नहीं, आपके साथ क्या होगा, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो 100 ऑब्जेक्ट को लोड कर देगा, तो एप्लीकेशन हो गया ना लोड हैवी। तो हमें वहां पास क्या बनाना है, वहां पास ऐसा बनाना है लूजली कपलिंग, रिलेशन बना के, ठीक है, एज अ रिलेशन लूजली कपलिंग है। लूज कपलिंग जब चाहे तब आप इसको यूज कर सकते हैं, जब चाहे तब रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आता है, लूज कपलिंग में भी एक आता है एग्रीगेशन और एक होता है कंपोजिशन, मींस एसोसिएशन के अंदर आते हैं, मींस इसको एसोसिएशन बोलते हैं। एसोसिएशन के अंदर दो टाइप होते हैं, एक एग्रीगेशन कंपोजिशन, ठीक है। तो एग्रीगेशन और कंपोजिशन में आपको आगे चल के पूरा क्लैरिटी आएगी जब मैं टेबल्स बनाऊंगा वहां पास, जब डेटाबेस बनाएंगे डेटाबेस में टेबल्स तो वहां आपको लेजी लोडिंग ईगर लोडिंग का मतलब समझ में आ जाएगा, क्यों हम यहाँ एग्रीगेशन कंपोजिशन यूज कर रहे हैं वहां। तो क्योंकि स्प्रिंग बूट तो हमारा क्या है, टोटली लूज कपलिंग अचीव करता है, वहां प्रोवाइड करता है लूज कपलिंग। सारे सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो यहाँ अभी सारी हम देखेंगे क्या नाम है जावा में, यहाँ पहले हम लॉजिक समझेंगे फिर कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया है, कैसे चीजों को रिजोल्व किया गया है वो देखेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा जावा, क्या है, एक बेस है ना कोर जावा,
इसलिए यहाँ पर सारी चीजें अभी समझना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, तो न्यू कीवर्ड का हम यूज कब करेंगे, जब हमें रीयूज करना है, रीयूजेबल बनाना है, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड से रीयूजेबल है, एक्सटेंड कीवर्ड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्या यार? नो सर, एक्सटेंड कीवर्ड याद रखो। नो सर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड रीयूजेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। रीयूजेबल के लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब वन टाइम लॉजिक लिखी गई है, आप वहां पास 100 टाइम क्या करो, न्यू कीवर्ड ले, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और यूज करो, ठीक है। तो एक शायद आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करके बता दूंगा, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड ओनली हम यूज करते हैं, मींस इनहेरिटेंस। एक्सटेंड कीवर्ड मतलब इनहेरिटेंस यूज करते हैं किसके लिए? एक्सटेंड प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कराने के लिए, लेकिन रीयूजेबल बनाने के लिए। इनहेरिटेंस कहते हैं ना, रीयूजेबिलिटी अचीव करता है, तो इन रीयूजेबिलिटी अचीव करने के लिए हम यूज करेंगे न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड से मतलब वो क्या करेगा, इसको बोलते हैं रिलेशन। हैज अ रिलेशन में दो टाइप होते हैं ना, तो न्यू कीवर्ड भी नहीं बोल सकते डायरेक्ट, हैज अ रिलेशन बोलिए। तो हैज अ रिलेशन में एग्रीगेशन और कंपोजिशन, ठीक है। अब एग्रीगेशन न्यू कीवर्ड्स में प्रॉब्लम क्या है, और आगे चल के कल बताएंगे आपको न्यू कीवर्ड्स में भी कोई प्रॉब्लम है कंपोजिशन में और एग्रीगेशन में, ठीक है। यस सर। क्या है, किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट? रेज हैंड कर रहे हैं या फिर साक्षी? हाँ साक्षी, क्या बोले सर? क्लास अपलोड कर दीजिएगा कल वाली, आज वाली भी। अच्छा, ठीक है, तुम लोग पूरा जावा का लेक्चर अपलोड करवा दो। चलिए सर, नेटवर्क का इशू आ रहा होगा आपका सर, आई थिंक। नेटवर्क का इशू क्या, सभी को आ रहा है क्या? हेलो, नहीं वो साक्षी कुछ बोलने वाली थी आई थिंक सर, चली गई है। साक्षी चली गई होगी कॉलेज, क्योंकि कॉलेज का टाइम हो गया। क्लियर, चली गई ना साक्षी? हेलो, हाँ सर। हाँ वाले सर, सर ये पूछ रहा था कि डेविन क्या है? डेविन लैंग्वेज पढ़ना है क्या? डेविन ये नहीं सर, पढ़ना नहीं। हाँ कॉन्सेप्ट आ रहे ना, ये चैट जीपीटी है। तुमको क्या डेविन कहाँ से पता चला? नहीं सर, कल एक यूट्यूब में देखा एक, तो सब बता रही थी। अरे यूट्यूब डेवलपर वाले बता, डेवलपर वालों की अब लगने वाली है। हाँ अब तो डेवलपर की लगने वाली है, इसका मतलब क्या? मतलब सर कि अब डेवलपर क्या लगने वाली है, क्या लगने वाली है? जॉब लगने वाली, मतलब नहीं वाली है। हाँ अच्छा, डेवलपर की जॉब लगने वाली है, डेविन आ जाएगा तो? नहीं वो बता रहा था यूट्यूब में, मैं सोचा कि आपसे पूछूंगा, मुझको मैं पूरा नहीं देखा था। अच्छा, अरे तुम सबको देखने कोई फायदा नहीं है, चाहे चैट जीपीटी है, चाहे डेविन है, चाहे कुछ भी है, आने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मार्केट कोई कुछ भी आ जाए, कितना बड़ा सॉफ्टवेयर आ जाए, ऑटोमेशन आ जाए, लेकिन बिना डेवलपर को कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि जो बना रहे हैं एआई, जो टूल्स जितने बना रहे हो डेवलपर तो बना रहे हैं यार, अपने आप थोड़ी बन जा रहा है। हां सर, इधर रिलेशन है सर, टाइटली। हम लोग टाइटली का पढ़ रहे हैं, हमारे बिना एप्लीकेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। मार्केट में जो भी लॉन्च हो रहा वो सारे के सारे डेवलपर ही बना रहे हैं, कभी भी डेवलपर की रिक्वायरमेंट नहीं खत्म हो सकती। एआई का अभी कुछ क्लियर भी नहीं है, लेकिन मार्केट में सर ऐसा माहौल बना दिया है एनवायरनमेंट के, सर लोगों को पता नहीं क्या क्या लग रहा है। अरे मार्केट में क्या है ना, चलो ठीक है सर, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग हो रही है ना, लोग बिजनेस है यार, बिजनेस है सब चीज, ठीक है। तो अगर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो पैसे कैसे कमाएंगे यार?
सर सही है। अब जो इन्वेस्टर है वो तो फिर मार्केटिंग जाएगा, मार्केटिंग वो अच्छे से। देखो चीजें हैं, डेविन ने सर डेविन ने कोई मार्केटिंग नहीं की सर, अपने आप मार्केटिंग होगी उसकी इतनी सारी। हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया, यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया अपने आप मार्केटिंग हो रही है सर बिना पैसा खर्च किए। हाँ ये सब टूल्स हैं, देखो आज ये हैं कल दूसरे आएंगे फिर नेक्स्ट लेवल पे तीसरे आएंगे। चैट जीपीटी आज का है क्या, चैट जीपीटी कब कितने ओल्ड वर्जन पड़े हुए हैं, कब से चल रहा है, मॉडिफाई होते रहते हैं ठीक है। तो कभी के कभी डेवलपर की जॉब नहीं जाएगी, डेवलपर की रिक्वायरमेंट हमेशा रही है और रहेगी ठीक है। तो ये सब टूल्स के चक्कर में मत पड़ो, ये टूल्स आ रहे हैं, उससे ये एडवांटेज है कि आपको, चलो आपको बेनिफिट मिलेगा, आप यूज करोगे उसका, आपको जो काम 1 घंटे में होता था वो 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ सर वही कह रहे थे, ये एक एडवांटेज है, आप उस चीज का यूज करके बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन अगर आप बोलो कि कोई भी सॉफ्टवेयर टूल्स और मार्केट को प्रिडिक्ट करके हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना देते हो, पॉसिबल नहीं। कंप्लीट सॉफ्टवेयर वो कभी बना ही नहीं सकते, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, उसके लिए डेवलपर चाहिए, उसके लिए बिजनेस एनालिस्ट चाहिए। क्योंकि जो सर वो कोड जनरेट कर देगा, यूज कैसे करना है वो तो हमें डिसाइड करेंगे ना। हाँ जो सुपर कंप्यूटर है पूरे वर्ल्ड का वो हम, वो आप हैं, क्योंकि आपके जैसा वो मशीन कभी नहीं सो सकता ठीक है। मशीन हमारे काम को इजी करने के लिए होता है, ना कि नए कॉन्सेप्ट नए थ्योरी को बनाने के। वो कितना भी बनाएगा वो सारे सिर्फ जो प्रीवियस डेटा उसके पास है उसी को प्रिडिक्ट करके एनालाइज करके कुछ चीजें दे सकता है, लेकिन नया कॉन्सेप्ट नया थ्योरी उसको नहीं मालूम कि मार्केट में क्या चल रहा है। अचानक वेदर में प्रॉब्लम आ जाए ठीक है, अब ओल्ड डेटा क्या है हमारे यहाँ का कि सर्दी सर्दी आती है, गर्मी बरसात का मौसम है, और अचानक सिर्फ और सिर्फ बारिश हो, अब बारिश होने की वजह से मार्केट का सारा चीज चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें जमीन में चल रही है अब पानी पे चलने लगेंगी। तो बताओ कोई सा भी सॉफ्टवेयर होगा, कोई टूल्स होंगी, अब आप बोलोगे कि पानी पे चलने वाली सारी चीजें डिवाइस बनाओ, तो वो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास सारे क्या मिलेंगे, पेट्रोल से चलने वाले तो मार्केट में क्या टर्न होने वाला, क्या चीजें मोड़ आने वाली है कोई जानता नहीं। तो ह्यूमन का जो ब्रेन है वो रियल टाइम को देखता है कि मार्केट में क्या चीजें हैं, उसके बेस पे वो कॉन्सेप्ट वो थ्योरी बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इसमें कौन सा पार्ट जो फास्ट उसको इम्प्लीमेंट करना है, बहुत कम टाइम में वो चीजें हो, उसको उसके लिए मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। हाँ तब वो चीजें हम यूज करेंगे कि जल्दी काम क्यों, तो वो यूज करो चाहे डेविन यूज करो, ये सारे टूल्स आप यूज करके काम कर सकते हो जल्दी ठीक है। हाँ लेकिन अगर हाँ कहोगे अगर मान लो वाकई में बहुत पॉपुलर हो गया है, तो आपको आपके स्किल को एनहांस करने की जरूरत पड़ेगी कि आप उससे ज्यादा आगे चले जाए, कैसे बेसिक जो फंक्शनैलिटी वो आपको क्रिएट करके दे रहा है आप उससे एडवांस लेवल में चले जाए। अब ये मत ये ना करें कि अब बेसिक बेसिक काम कर रहे हैं, जैसे कि बोल रहे जूनियर डेवलपर, तो जूनियर डेवलपर का काम मत करो, डायरेक्ट 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाला काम करना स्टार्ट कर दो, तो आप उससे हाई लेवल में चले जाएंगे ना। तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, स्मॉल स्मॉल टास्क कंप्लीट करके देगा, 10 लाइन का कोड, 20 लाइन का कोड, 100 लाइन का कोड, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट बना के नहीं देगा ठीक है। तो स्मॉल स्मॉल कोड से उससे काम लेना सीख लो, काम करो। देखो इधर माइक ऑफ करो, आज कौन सा दिन है, फ्राइडे, फ्राइडे है ना, फ्राइडे सर ठीक है। इधर देखो एक है, ये क्या है, ये कहलाता है आपका कंपोजिशन, कंपोजिशन एग्रीगेशन, कैसे हम अचीव करते हैं एग्रीगेशन, इसको कंपोजिशन बोलते हैं। देखो इसमें आपको कल बताएंगे साथ, कल क्लास चलेगी आपको, कल सैटरडे रहेगा, संडे से ऑफ रहेगा ना, तो कल आपको बताएंगे। हाँ कल आपको क्लियर करेंगे वहाँ कि क्या बताना था मुझे, कंपोजिशन एग्रीगेशन तो हाँ कंपोजिशन ठीक है।
कंपोजिशन और एग्रीगेशन आपको नहीं ये तो बताना ही है, लेकिन मुझे कुछ और बताना था, याद आया, ध्यान चला गया, क्या नाम है, चलो ठीक है कल बताएंगे आपको जो याद आएगा। देखो कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन चलो कल ही बताएंगे आपको कंपोजिशन एग्रीगेशन, क्योंकि वहां लूजली कपलिंग, लूज कपलिंग भी बताऊंगा वहां पास, और क्या बताना है, ईगर लोडिंग, लेजी लोडिंग, इससे क्या इसका रोल क्या है, क्यों हम यूज करते हैं इसको, ठीक है, ईगर लोडिंग लेजी लोडिंग कैसे अचीव करते हैं। अभी आज देखो दो चीजें, कि एक है इज अ रिलेशन हम अचीव कर स्टेट कीवर्ड से और इंप्लीमेंट से जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, दूसरा हैज अ रिलेशन अचीव करते हैं न्यू कीवर्ड से, दूसरा जो है लूजली कपलिंग बना के, लूज कपलिंग। अब यहाँ पास ये क्या है इसको बोलते हैं टाइट कपलिंग इसको बोलते हैं कंपोजिशन मीन्स टाइटली कपलिंग जो होती है, टाइटली कनेक्टेड। अब ये कार का जो रेफरेंस है, ये कार में हमेशा क्या होगा, जो आप कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं वो रेफरेंस भी कार का दिए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, टाइटली कपलिंग, टाइटली कनेक्टेड, है ना, कि यस सर। हाँ, अब ये व्हीकल हो तो क्या होगा, वो लूजली कपलिंग होगी। तो लूज कपलिंग हम कैसे अचीव करते हैं, मींस डायनेमिक बाइंडिंग, याद है पॉलीमॉर्फिज्म कॉल्स सर, जैसे मतलब कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और रेफरेंस दें उसे पेरेंट क्लास का। हाँ, मतलब कार का ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब जो है कि रेफरेंस आपका पेरेंट है और उसकी जितनी सब क्लासेस है, मतलब जितनी चाइल्ड्स हैं, वो सारे के सारे डायनेमिकली आप एक्सेस कर सकते हो, डायनेमिकली जिसकी जो ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा। कार का व्हीकल के अंदर क्या आते हैं, कार आएगा, बस आएगा, ट्रक आएगा, आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है, बस का पास करेंगे, बस का इंजन आपको मिल जाएगा, बस के इंजन की लॉजिक चलेगी, ठीक है, कार की लॉजिक चाहिए, या कार का डिस्प्ले कराना है डिटेल्स, आपको बस के इंजन की डिस्प्ले कराना है डिटेल्स, ठीक है, तो वो पूरे बस के इंजन का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो बस के इंजन का दे देगा। नहीं, आप कार के इंजन का डिस्प्ले कराओ रिकॉर्ड डिटेल्स, या कार की प्रॉपर्टीज जितनी है सारी डिटेल डिस्प्ले कराओ, तो आप किसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे, कार का, ठीक है, ट्रक का, जो भी होगा, बाइक होगी, सब क्या है, जो भी इसके पेरेंट, तो पेरेंट हम पास करेंगे तब तो इसके चाइल्ड के जो जितने भी चाइल्ड है वो डायनेमिकली हमें यूज कर सकते हैं, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सभी के लिए अलग अलग रेफरेंस जनरेट करने पड़ेंगे, तो टाइटली कनेक्टेड होगा ना, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया ना पॉलीमॉर्फिज्म डायनेमिक बाइंडिंग। हाँ, नहीं याद है, व्हीकल, अब व्हीकल एक क्लास है हमारे पास, इसने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड व्हीकल, देखो ये डायग्राम में यहाँ एक बार दिखा देता हूँ सर, यूपीआई वाले में बताया था आपने, ये यूपीआई वाले में नहीं, इधर बताया था, ठीक है, ये बताया था, यहाँ पास क्या है, एक बुक है, पेरेंट क्लास है, इसकी चाइल्ड क्लास क्या है, आईटी, मैकेनिकल, सिविल, एमबीए, ये सारे बुक्स हैं, तो हमने अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता, ठीक है, इसमें नहीं बताया साथ इसमें है, तो क्या करना होगा, सभी के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर इसका इसके रीड बुक्स रीड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो रीड नोट्स मिलेगा, क्योंकि इसके रेफरेंस मिलेगा, मैकेनिकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो रीड नोट्स मिलेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो रीड नोट्स, एमबीए का क्रिएट करेंगे तब तक, तो कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, और इनके रेफरेंस से ही हम क्या एक्सेस कर सकते हैं, रीड नोट्स, तो
प्रैक्टिकल मैंने बताया था कि वहाँ प्रॉब्लम कितनी आएंगी, कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि उतने सारे ऑब्जेक्ट्स उतने सारे रेफरेंस क्रिएट करने होंगे। चलो अगर नहीं होगा तो अभी फिर से बता रहे हैं, देखो ध्यान दो। वे एक कार आया, दूसरा देखो, दूसरा बस, बस और एक्सटेंड करो यहाँ पर सुपर क्लास, क्या है सुपर क्लास, व्हीकल। और ये जो हमने यहाँ पास कार के प्रॉपर्टी लिखी स्टार्ट इंजन, इसको डिक्लेयर कर देते हैं कहाँ, व्हीकल में, व्हीकल सॉरी, व्हीकल को मैं इंटरफेस बनाता हूँ, ठीक है। इंटरफेस, इंटरफेस मालूम है ना कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पास मैंडेटरी हो जाता है इसको क्या करना, ओवरराइड करना, ठीक है। यहाँ पास सब क्या बोला, एक्सटेंड नहीं करेंगे, यहाँ पास इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगाएंगे क्योंकि इंटरफेस है, ठीक। और ये क्या है, ओवरराइड, स्टार्ट इंजन क्यों एरर दे रहा है, पब्लिक नहीं था। चलो इसी तरह से बस में इंप्लीमेंट कर लो इसको, यहाँ इंप्लीमेंट होगा और इसकी मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा मैंडेटरी, है ना। तो यहाँ जो है इसकी लॉजिक सिस्ट्रेस, ये बस का इंजन रिटर्न करेगा और ये कार का इंजन रिटर्न, ठीक है। इस स्ट्रेस, तो ये है व्हीकल, व्हीकल है और इसकी क्या है, या तो व्हीकल और इसकी चाइल्ड क्लास क्या है, कार और बस, ठीक है। चलो या अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ कार डॉट स्टार्ट इंजन ही मिलेगा, है ना, कार डॉट स्टार्ट इंजन, ठीक है। मैंने रन किया, एग्जीक्यूट किया, देखो कोड क्या डिस्प्ले होगा, कार स्टार्ट इंजन, ठीक है। मुझे बस का चाहिए तो बस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर यहां मैं बोलूं कि मुझे बस का भी ये सेम इंजन, इंजन मेथड से बस भी डिस वो तो होगा, एग्जीक्यूट हो नहीं, इसके लिए बस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और रेफरेंस भी बस का पास किया, देन बस डॉट स्टार्ट इंजन, बस स्टार्ट। अब तब जाके यहाँ पास लॉजिक क्या होगी, एग्जीक्यूट होंगे दोनों। तीसरा, अगर तीसरा ऑब्जेक्ट है तो ये क्या ऐसा है कि मैं डायनेमिक ऑब्जेक्ट पास करूं और वो एक ही बार इंजन जो है, इंजन इंजन एक ही मेथड है वो उसके लिए एग्जीक्यूट हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई आपके सर्विसेज यूज कर रहा है, आप किसी के अपने सर्विसेज अपने लॉजिक दिए हैं, तो वो स्टार्ट इंजन करना है तो उसको याद रखना पड़ेगा कितनी उसकी सब क्लासेस हैं, कितनी चाइल्ड क्लास, 100 चाइल्ड क्लासेस है तो 100 चाइल्ड क्लासेस का नेम याद रखना पड़ेगा, तो उसके बाद उसकी लॉजिक लिखी जाएगी। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम एक कॉमन नेम बना दे और उस कॉमन नेम के रेफरेंस से वो सारे मेथड को एक्सेस कर ले और वो बता दे, हमें गाइड कर दे कि इस कॉमन नेम से इतनी सब उसकी सब क्लासेस है और उसके पास इतने सारे मेथड से इंप्लीमेंट किए गए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लूज कपलिंग, ना लूज कपलिंग बनाना है तो क्या यूज करेंगे, इंटरफेस। इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है लूजली कपल, मींस डायनेमिक बाइंडिंग। कैसे डायनेमिकली बाइंड करेंगे, तो ये है कंपोजिशन न्यू कीवर्ड से, ठीक है। जैसे अब हमने क्या किया, यहाँ पास
इसका जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप मैंने क्या बना दिया, व्हीकल, व्हीकल वी और इक्वल टू न्यू। अब बताइए इसका किसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे, व्हीकल में किसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे, कार का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो कार का रिटर्न करेगा, लेकिन व्हीकल के पास कौन से है मेथड्स, स्टार्ट इंजन, ठीक है। तो ये जो भी आप पास करोगे यहाँ डेटा, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ वो उसका इंजन स्टार्ट होगा। यहाँ आपने पास किया कार तो कार का स्टार्ट होगा, आपने पास किया बस तो बस का स्टार्ट होगा। तो कैसे डायनेमिकली, डायनेमिकली हम कैसे पास करते हैं यार, याद है कार का इंजन स्टार्ट हो गया, ओके। यहाँ पास हमने बस का ऑब्जेक्ट पास किया, बस का इंजन स्टार्ट, बस इंजन, ठीक है। तो अब देन यहाँ पास कितने लाइंस के कोड लिखने पड़े थे कार और बस के इंजन को स्टार्ट करने के लिए, 4 लाइन। यहाँ पास कितने हो गए, 2 लाइंस के कोड हो गए। ओनली वन मेथड, एक मेथड दिया, एक ही चाबी दी, स्टार्ट लगाया, चालू हो गया, है ना। अब क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को हमें डायनेमिक पास करना है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, एक मेथड क्रिएट करो। तो प्राइवेट प्राइवेट और वो मेथड रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप एक मेथड बनाना है डायनेमिकली, तो रिटर्न टाइप क्या होगा, बोलो यार, लूजली कपल बनाना है तो रिटर्न टाइप क्या रखोगे, बस कार इंट सॉर्ट फ्लोट बुलियन डबल, ऐसा लगता है कि आप लोग चले क्या, आवाज नहीं आ रही है, यस सर आ रही है सर, आ रही है सर। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या रखेंगे, लूजली कपल बनाना है तो रिटर्न टाइप क्या हो गया यार, क्या बात है? अरे इंटरफेस का नेम व्हीकल, हाँ व्हीकल, हमेशा याद रखो ना इंटरफेस का नेम, लूजली आप क्लास दे दोगे तो टाइटली कपलिंग हो जाएगी ना, टाइटली कनेक्टेड हो जाएगा, वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। आपको लूजली कपलिंग बनाना है कि लूजली हो, कि जिसका ऑब्जेक्ट पास किया जाए तो वो कौन देगा, वो व्हीकल देगा ना, इंटरफेस पेरेंट है, याद याद, अरे आप लोग भूलते बड़े जल्दी हो। तो प्राइवेट व्हीकल क्या रिटर्न करना है, मेथड का नेम, मेथड का नेम कुछ भी दे दो, मेथड का नेम गेट गेट व्हीकल, ठीक है, गेट व्हीकल, व्हीकल ये क्या करेगा, व्हीकल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिटर्न करो व्हीकल, व्हीकल कैसे रिटर्न करेंगे, याद आया कल का लास्ट वाली क्लासेस, तो एक व्हीकल पेरेंट होगा, व्हीकल इसकी क्या होगी रेफरेंस इक्वल टू नल, क्यों, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि कौन सा व्हीकल रिटर्न किया जाएगा, बस या कार, समझ में आया सिंटैक्स। तो यहाँ पास ये न्यू बस अभी बस रिटर्न कर रहा है, तो हम यहाँ पास क्या रिटर्न करेंगे, गेट गेट व्हीकल, ये क्या आ रहा है, गेट मेथड का नेम ट्राई कैच ब्लॉक, थ्रो एरर, क्यों थ्रो एरर दे रहा, मेक दिस, ओह सॉरी नॉन स्टैटिक, स्टैटिक स्टैटिक मेथड है ना, तो ये स्टैटिक प्राइवेट स्टैटिक रहेगा, ठीक है, स्टैटिक मेथड, नहीं तो इसको क्या है, इसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस है, तो हमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ऑब्जेक्ट टू क्रिएट करना नहीं है, नहीं तो आपको इसके एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर इसका करना पड़ेगा, इससे चाहिए कि प्राइवेट मेथड है, स्टैटिक मेथड के अंदर हमेशा स्टैटिक मेथड सॉरी स्टैटिक कॉल किए जाएंगे डायरेक्ट, नॉन स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा।
ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अब बताओ यहां से ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? डायनेमिकली रिटर्न कर रहा है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारी लूज कपलिंग होगी। ठीक है, लूजली कपलिंग। यहां से लॉजिक समझ में आया? इफ कंडीशन क्या लगा देंगे, मैंने यहाँ पास int i इक्वल टू 1 रख लिया। ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर 1 है i इक्वल टू 1 तो रिटर्न करो व्हीकल इक्वल टू न्यू कार, कार का ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, और एल्स क्या रिटर्न करो, एल्स रिटर्न करो क्या, व्हीकल इक्वल टू न्यू बस। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपने बना दिया है, बाकी सारी चीजें देख लेंगे। ठीक, तो अब बताओ यहाँ पास को ये डायनेमिकली मैंने इसको भी चेंज किया, अब स्कैनर से रीड नहीं कर रहे। ठीक है, सिंपल। तो किसका ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा, हाँ कार का इंजन। ठीक है, कार पास किया गया। ओके, यहां हमने पास किया 2। अब किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाएगा, बस स्टार्ट। तो यहां पास डायनेमिकली चीजें चल रही है ना। हेलो, डायनेमिक हुआ या नहीं, लूज कपलिंग, लूज कपलिंग अचीव किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन, यहां हम अचीव करते हैं किसे, न्यू क्यूट से। एक जो आता है कि जैसे ये मेथड है गेट, एक मेथड है, फिर चलो आज का जैसे एग्रीगेशन हम कैसे यूज कर रहे हैं, एग्रीगेशन एक मिनट नीचे देखो, एक मेथड और हम बना रहे हैं एग्रीगेशन के लिए। ठीक है, पब्लिक और पब्लिक वॉइड, अभी वॉइड लो, और यहाँ ऐड मेथड, ऐड ओबीजे मीन्स ऐड ऑब्जेक्ट, या गेट डिटेल्स ले लो। ठीक है, गेट डिटेल्स गेट करना है, एक मेथड हमने बनाया। ठीक है, लेकिन ये डिटेल्स किसका प्रोवाइड करेगा, डिटेल्स आप प्रोवाइड करो उसका जिसका ऑब्जेक्ट पास हो, जिसका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ एक मेथड क्या के लिए, व्हीकल के पास, व्हीकल डॉट गेट डिटेल्स, 1 मिनट, व्हीकल के पास नहीं है, किसके पास है, एम्प्लॉय के पास है। तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, न्यू एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, एम्प्लॉय e1 डॉट गेट डिटेल्स। अब ये बताओ, ये डिटेल्स मैं चाहता हूं कि ये एम्प्लॉय कौन सी कार रखा है, ये कार से आता है ये एम्प्लॉय या बस से आता है, उसका डिटेल प्रोवाइड करो। समझ में आ रहा, एम्प्लॉय 1 कार से आ रहा है बस से आ रहा है, उसका डिटेल्स प्रोवाइड करो। तो कैसे डिटेल्स देगा, यहां हमें क्या करना है, गेट डिटेल्स को कॉल करना है, गेट डिटेल्स को कॉल करना है, और इधर हम प्रिंट करो क्या है, कार से आ रहा है या बस से आ रहा है। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ टाइप बताया
कि अगर व्हीकल को जो ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा, इस गेट डिटेल को व्हीकल को जो ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा उसका डिटेल्स प्रिंट करो, ठीक है। तो ये व्हीकल में कौन सा व्हीकल है, जो ऑब्जेक्ट जो यूजर ट्रेवल कर रहा होगा, बस से कर रहा होगा तो बस का होगा और कार से हो तो कार का आएगा, ठीक है। तो यहां मैंने व्हीकल पेरेंट टाइप बनाया और डिस्प्ले किया एस आउट, तो v डॉट व्हीकल डॉट स्टार्ट इंजन, ठीक है। अभी स्टार्ट इंजन ही मेथड है, इसलिए मैंने स्टार्ट इंजन मेथड कॉल किया। ओ रिटर्न टाइप वर्ड है क्या, v डॉट स्टार्ट इंजन रिटर्न करेगा, void टाइप है ना, हाँ void है। तो ये मतलब void क्या है, void मेथड को हम प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि ये void खुद ही प्रिंट कर रहा है यहाँ पर। सिंपल हमें क्या करना है, प्रिंट कराना, ठीक। तो गेट डिटेल्स, अब यहाँ बताओ गेट डिटेल्स जो है ये किस टाइप का डेटा पास किया जा रहा है, यहाँ व्हीकल ना, व्हीकल। तो व्हीकल एक्चुअली ये है ना, व्हीकल, व्हीकल के अंदर गेट डिटेल, गेट व्हीकल हमें रिटर्न कर रहा है क्या, गेट व्हीकल हमें क्या रिटर्न कर रहा है बोलो। अरे व्हीकल का ऑब्जेक्ट ना कार या बस, गेट व्हीकल, गेट व्हीकल कॉल करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, व्हीकल टाइप मिलेगा कि नहीं, कार का ऑब्जेक्ट या बस का ऑब्जेक्ट। हाँ, तो गेट डिटेल्स को अगर मैं कॉल कर दूं, इसमें पास कर दूं गेट व्हीकल, तो गेट व्हीकल जो है रिटर्न क्या करेगा, व्हीकल का ऑब्जेक्ट, ऐसे समझ में। तो जब व्हीकल का ऑब्जेक्ट अगर रिटर्न करेगा तो ये व्हीकल का ऑब्जेक्ट अगर टू है, इक्वल टू टू है, तो किसका ये एम्प्लॉय क्या यूज करता है, एम्प्लॉय क्या यूज करता है, बस। अगर व्हीकल का ऑब्जेक्ट मीन यहाँ से वन पास किया जाएगा इसका मतलब ये है कि कार यूज कर। अभी बताओ क्या आएगा, इसको मैं कमेंट करता हूँ, बस। तो ये एम्प्लॉय E1 क्या यूज कर रहा है, बस। और एम्प्लॉय E2 मीन दूसरा एम्प्लॉय जो है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये क्या पास, ये क्या इसका डिटेल प्रोवाइड करो, ये क्या कर रहा है, किससे ट्रेवल कर रहा है, एम्प्लॉय E2 इसके पास, गेट डिटेल्स, एम्प्लॉय का डिटेल्स गेट करो, क्या है कार, सॉरी ये क्या है E1 E2 सेम टाइम पे आ रहा ना, तो यहाँ एक दोनों है सेम सेम है, इसमें नाम तो पता चल नहीं रहा क्योंकि डिटेल दे रहा है एक ही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हमने क्या किया, सॉरी ऐसा नहीं है, कहीं कुछ मिस्टेक किया हमने, E1 E2 E2 एम्प्लॉई गेट डिटेल्स, ओके ओके, एक एक करके करेंगे ना क्योंकि दोनों मेथड एक्सेस कर रहे हैं ना, गेट डिटेल्स करेंटली इसमें भी अवेलेबल है कार, करेंटली इसमें भी अवेलेबल है कार, तो दोनों गेट डिटेल्स रिटर्न कर रहा कार, इस वजह से कार आ रहा, ठीक है। एक एक करके हम क्या करेंगे, क्योंकि लूज कपलिंग मतलब वन वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आएगा उसके साथ वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। कंट्रोल से रन और एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट रखो उसमें ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। E2 ये E1 से मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है ये, तो अगर वो ट्रेवल करता है किससे, बस से, यहाँ पास तो असाइन किया जाएगा क्या इसको टू, अगर वो ट्रेवल करता है कार से तो उसको असाइन किया जाएगा वन, तो ये बस से ट्रेवल कर रहा नहीं, हमने बोला कि नहीं यूजर जो है वन कार से चल रहा, तो अब क्या आएगा कार से आएगा, समझ में आया लॉजिक कैसे चीजें बनाई जा रही है यार। इसको बोलते हैं जो व्हीकल हमने यहाँ पास किए, इसको बोलते हैं एग्रीगेशन, डायनेमिक बाइंडिंग। यहाँ एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ये अप्लाई हो रहा है कॉम्पोजिशन का, ठीक है। क्यों, रीजन ये है, मान लो रीजन क्या है कि इन फ्यूचर क्या है, जैसे कि ये कार है,
कार का ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल सेव, कार का ऑब्जेक्ट है, आपने कार को क्या किया, यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और यहाँ ये व्हीकल, ये गेट व्हीकल, ये भी क्या है, इसने भी क्या है, कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसमें भी कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसमें बताओ इन दोनों मेथड में, ये मेथड ए, मेथड बी, और मेथड क्या है, क्या नाम है, सॉरी मेथड नहीं, ये अगर ये क्या नाम है, गेट व्हीकल, चलो ठीक है, कहां कहां प्रॉब्लम आएगी अगर मैं कार के ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता हूं, यहां प्रॉब्लम आएगी, देखो कंट्रोल एम, लूजली कपलिंग किसको बोलते हैं, कार कार कर गया, कार और कहां चला गया, बस है, हाँ ये डिलीट। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आ गई, अरे इंप्लॉय को क्या प्रॉब्लम आ गई इसकी लॉजिक में, प्रॉब्लम आ गई ना इसका कार के ऑब्जेक्ट। अब बताओ उस कार के ऑब्जेक्ट को रिमूव करते ही पूरा प्रोग्राम में एरर, मतलब हम क्या है, टाइटली कनेक्टेड हो गया ना, टाइट कनेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि ये क्या है एम्प्लॉय सर, वो डिपेंड हो गया है कार के, उसके बगैर ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रन नहीं होगा, तो टोटल डिपेंडेंट है, तो ये लॉजिक क्या है, रिकमेंडेड है या नहीं, ऐसा लॉजिक रिकमेंड नहीं किया जाता है जो डिपेंड हो, ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ देखो गेट प्राइवेट डिटेल्स, यहाँ कार को रिमूव करते ही यहाँ एरर, यहाँ प्रॉब्लम। तीसरा देखो, तीसरा यहाँ कोई प्रॉब्लम व्हीकल में है, यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कार डिलीट करो, बस डिलीट करो, कुछ भी डिलीट करो, मैं तो जो मांगोगे वो दे दूंगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो दे दूंगा, ठीक है, हैं? इससे कोई फर्क पड़ा, इसमें कोई एरर आया, लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है, नहीं सर, व्हीकल का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना, समझ में आया। तो यहाँ कैसे चीजों को हम लूजली कपल बनाते हैं, इसको हम आपको आगे की क्लासेस में समझ में आएगी, वहां डायनेमिक ऑब्जेक्ट पास किया जाता है ना कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट, मीन्स स्टैटिक ऑब्जेक्ट मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि स्टैटिक, स्टैटिक मतलब हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट, पहले से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए, नहीं डायनेमिक, तो डायनेमिक जब ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पास हम क्या यूज करेंगे, इंटरफेस यूज करेंगे, हो सकता है वो कार का ऑब्जेक्ट इन फ्यूचर कभी इसको रिमूव कर दिया जाए, कार की जगह बस ट्रेन ट्रक यूज किया जाए, कोई ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, वो पहले स्मॉल व्हीकल यूज करते थे, जैसे कि नहीं होती है छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ियां यूज होती हैं, फिर बाद में उसने बोले नहीं छोटी गाड़ियों को रिमूव करो, बड़े गाड़ियां ले लो जैसे ट्रक वगैरह होगी, तो वो उसको रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, अगर सारे कोड टाइटली कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से तो प्रॉब्लम आएगा, तो ऐसे इसलिए हम क्या करेंगे, आप कुछ भी रिमूव करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सारी चीजों को किससे बाइंड करेंगे यहाँ पर, इंटरफेस से, तो इंटरफेस जब हम कॉल करेंगे तो उस टाइम पर हमें ऑब्जेक्ट किया जाएगा और हम रिटर्न करेंगे, ठीक। चलो यहाँ पास कैसे हम पास करेंगे ये चीजें बताएंगे अभी आपको आगे, तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट यहाँ पास नहीं देना है, ऑब्जेक्ट क्या हम जैसे कि हम कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें ऐड कार, तो ऐड मेथड कॉल, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे ऐड कार, कार को ऐड करो तब वो कॉल होगा, तब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऐड बस, तो बस ऐड किया जाएगा, उसके बाद एक बार ऐड होने के बाद फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे, फिर वहां से हम क्या करेंगे मेथड बनाएंगे लूजली कपलिंग, तो वो मेथड क्या करेंगे एक्सेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा बेस्ट वे है, ये वाला बेस्ट वे है कि आप व्हीकल को बाइंड करें इंटरफेस को, ठीक है, क्लियर, हेलो, इसको क्या बोलते हैं एग्रीगेशन, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है एग्री
एग्रीगेशन, एग्रीगेशन अचीव करते हैं किस यहाँ से, तो पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने आपको बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म में इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म में याद है आप, भूल गए? हेलो, इसको क्या याद है सर? हाँ, इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग हो गया ना, कार और व्हीकल, जो भी व्हीकल और सॉरी बस और कार, डायनेमिक बाइंडिंग होगी। ठीक है, चलो ये है आपका एरर, इसको रिमूव कर दो। ये कंपोजिशन है, टाइटली पकड़ लेते हैं, यहाँ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये भी आपका क्या है, इसको भी रिमूव कर दो। लेकिन ये अभी क्या, हमें ऑब्जेक्ट का डेटा रिटर्न कर रहा, तो इसको दूसरे क्लास में हम यूज कर सकते हैं, टेस्ट में वहां से पास कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक में हमें डिस्टर्ब नहीं करना है इसके लॉजिक को। तो यहाँ पास क्या करना है, डायरेक्ट रिमूव करना है, गेट डिटेल्स, मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, पूरा ही रिमूव करता हूँ सिंपली। तो लॉजिक एक्चुअली ऐसे बनेगा इसका, एम्प्लॉय के पास यहाँ, तो अब एम्प्लॉय जो है यहाँ हो गया, और एक मैं क्लास लेता हूँ, मैं क्लास न्यू, न्यू क्लास का नेम क्या है, टेस्ट। इसके पास मेन मेथड है, मेन मेथड। अब बोलो एम्प्लॉई का डिटेल्स अब हमें चाहिए, तो एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉई का डिटेल्स, तो न्यू एम्प्लॉई गेट डिटेल्स, तो ई एम्प्लॉई डॉट गेट डिटेल्स, गेट डिटेल्स। अब ये बोल रहा है कि डिटेल्स आप प्रोवाइड कीजिए, तो किसका डिटेल्स आपको चाहिए, हाँ डिटेल किसका चाहिए, कार या बस, ट्रक, व्हीकल, कोई से भी। तो आप यहाँ पास बोलोगे मुझे कार का चाहिए, तो यहाँ से देखिए, अब एम्प्लॉय में इससे पहले जो चीजें थी, कार का ऑब्जेक्ट हम वहां पास कर रहे थे, तो यहाँ क्या है, कंपोजिशन था न्यू कार, न्यू कार था। ये क्या है, यहाँ पास हमने कार को रिमूव कर दिया, तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा यहाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इधर, नहीं ना, कार रिमूव किया गया, रिमूव किया गया तो कार अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, कोई थर्ड पार्टी अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो उसको वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास कार का जो डेटा था वो डिलीट कर दिया गया है, पूरे एम्प्लॉय का डेटा जो है क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। सिर्फ कार के ऑब्जेक्ट को रिमूव करने से पूरा एम्प्लॉय की क्लास में एरर आ जाएगी। हम नहीं चाहेंगे कि एम्प्लॉय का जो क्लास है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, वो कार के ऊपर डिपेंड हो, कार रिमूव हो या न्यू कार कोई ऐड हो, इससे एम्प्लॉय को कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए, एम्प्लॉय के डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए, समझ में आया। इसलिए हमने क्या किया, वहां से जो हार्ड कोडेड हमने पास किया था, कार का ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया, जहां जहां भी थे सारे रिमूव कर दिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एम्प्लॉय के लॉजिक में कोई फर्क पड़े कि कौन सा व्हीकल है, तो इसलिए हम यहाँ पास करेंगे जो अवेलेबल होगा। अगर कार अवेलेबल होगी तो कार का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, बस अवेलेबल होगी तो बस का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, समझ में आया। तो हमारे पास बोला कि गेट डिटेल्स, व्हीकल कौन से, वो जो एम्प्लॉय है तो किससे ट्रेवल कर रहा है, कौन से व्हीकल से, बस से या कार से, तो हमने बताया कि एम्प्लॉय E1 है वो ट्रेवल कर रहा है किससे, यहाँ हमें क्या करना होगा, कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू कार, सॉरी न्यू बस, ना बस तो है नहीं, न्यू बस, और
चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पास कर दो कंट्रोल एक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। अब बोलो रिटर्न रन सेव एग्जीक्यूट। ये बस स्टार्ट, बस से चल रहा। ओके अब यहाँ पास मैंने जो दिया था कंट्रोल जेड कर दो तो कार कंट्रोल क्या करो कार कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और इसको एक्सटेंड करना है किससे, सॉरी इंप्लीमेंट करना है किससे, इसे इंप्लीमेंट करेंगे व्हीकल से। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या यार? हेलो यस सर, कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ नहीं नहीं सर कंफ्यूज मत होना यार, अगर जिसको डाउट लगे बता रहा हूँ मैं इसको टोटली क्या बना रहा हूँ। लूजली कपल, लूजली कपल मतलब ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, मैंने ये जो सर्विसेज मान लो मैंने सर्विसेज शिवम को ये एम्प्लॉय का सर्विसेज जो है जो भी सर्विस है मैंने पास कर दिए कि है शिवम मैंने ये तुमको क्लास दिया है अब तुम इसको यूज करो। अब वो यूज कर रहा है, अब मैंने बोला कि अरे यार शिवम के पास जो डेट मैंने जो पास किया सर्विस उसमें क्या करना है कार के डेटा को रिमूव करना है तो कैसे करें। अब शिवम को क्या है मुझे कॉल करके बोलना पड़ेगा हे शिवम थोड़ा सा अपना अपना जो भी ऑपरेशन कर रहे हो उसको बंद करो अपना काम, मुझे कार का डेटा रिमूव करना है। तो शिवम बोलेगा क्यों रिमूव करना है, तो आप रिमूव कर दो मेरा काम इतना अब करोड़ों का काम चल रहा है, अब ऐसे टाइम पे आप बोलोगे तो मैं कैसे काम बंद करूंगा, मेरे यहाँ पूरे कस्टमर्स लगे हुए हैं तो बोलेगा ना कि कैसे मैं बंद कर दूं, तो फिर कैसे करोगे यार। बोले यार हमने तो सर्विसेज दिए है अब हमारे पास कार अवेलेबल नहीं है, अब मैं यहाँ से कार रिमूव करता हूँ तो उसका प्रोग्राम बंद हो जाएगा सारे के सारे, क्योंकि इफेक्ट तो पड़ेगा ना एम्प्लॉय पे, उसके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप कोई रास्ता चूज करेंगे कि सबसे अच्छा एक काम करते हैं कि इनको डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट हमारे पास उनका डेटा उनको उनसे बाइंड नहीं करते हैं, किसी एक कॉमन नेम से बाइंड कर देते हैं और ये कॉमन नेम उनको पता नहीं चलेगा कि हम कौन सी सर्विसेज ऐड कर रहे हैं कौन सी सर्विसेज रिमूव कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको व्हीकल को पास कर दे रहे हैं व्हीकल, और यहाँ पास हम कार को ऐड कर रहे हैं और कार बस को ऐड कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं जो जिसे भी रिमूव करना हो। तो इसलिए हम इस डेटा इस सर्विसेज को पूरी टोटली क्या बना रहे हैं लूजली कपल, लूज कपलिंग कि इम्प्लॉय को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या चीजें ऐड हो रही है क्या चीजें रिमूव हो रही है कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव हो रहा है। तो यहाँ देखो ये टोटली क्या हो गया, इसको फर्क नहीं पड़ेगा कि इम्प्लॉय में क्या ऐड हो रहा है क्या रिमूव हो रहा, हमने क्या किया टोटल लॉजिक ही अलग कर दी है। अब यहाँ पास मैंने बोला कि बस का डेटा पास करो तो इसने बस का दिया। अब इम्प्लॉय ई टू जो है इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ठीक है ई एम्प्लॉय टू, इसको इसका डिटेल प्रिंट करो इम्प्लॉय टू का डॉट get details object pass किया new car new car देखो bus and car मिला। employee one जो है bus से travel कर रहा और employee two जो है car से travel कर रहा। अब मैं यहाँ कार का डेटा, अब मुझे मालूम है कि कार अवेलेबल नहीं है तो मैंने क्या किया एम्प्लॉय टू को कार असाइन ही नहीं करूंगा क्योंकि कार हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यहाँ से रिमूव किया और क्या बोलते हैं क्या बताना था आपको हाँ यहाँ से अगर मैं अब कार को रिमूव करता हूँ, चलो अब मैंने कार को रिमूव कर दिया कंट्रोल सॉरी डिलीट डिलीट यहाँ डिलीट हुआ
तो इफेक्ट इम्प्लॉय को जो सर्विसेज मैंने पास किया था उसको पढ़ा, इफेक्ट कुछ भी कार रिमूव हुआ या ऐड हुआ, हाँ इसे कोई फर्क पड़ा नहीं सर, नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सर्विसेज जो है डिलीवर करने लायक हो गए या नहीं, हमारी ये सर्विसेज हम डिलीवर कर सकते हैं ना? यस सर। हाँ अब ये टेस्ट जो है ये तो हमारे पास है कि क्या सर्विस ऐड करनी है क्या रिमूव करनी है, तो इसको बोलते हैं लूजली कपलिंग। तो ये इसको एग्रीगेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये आता है हैजर रिलेशन के अंदर। तो हैजर रिलेशन के अंदर दो कैटेगरी है, जिसको बोलते हैं कंपोजिशन, दूसरा एग्रीगेशन। कंपोजिशन जो है ये कंपोजिशन है, ये इसको बोलते हैं कंपोजिशन, जो क्या होगा टोटली कनेक्टेड होता है। इसमें इफेक्ट, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये रिमूव किया जाएगा तो क्या तुरंत एरर दे देता है। लेकिन एग्रीगेशन में, एग्रीगेशन अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या चीजें ऐड की जा रही है क्या चीजें रिमूव की जा रही है। तो एग्रीगेशन जो होती है ये हम इसमें पॉलीमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का रूल है डायनेमिक बाइंडिंग अचीव करना। तो इसको क्या बोलते हैं, कैसे हम डायनेमिक बाइंडिंग अचीव करते हैं कि सिंपल एक मेथड और इसकी मल्टीपल बिहेवियर्स। मेथड नेम क्या है, सिंगल मेथड नेम है, इसकी बिहेवियर क्या है, मल्टीपल बिहेवियर है। कभी ये बस का डिटेल रिटर्न करता है तो कभी कार का डिटेल रिटर्न करता है। तो इसकी बिहेवियर क्या है, सिंगल है या मल्टीपल है, मल्टीपल बिहेवियर परफॉर्म करता है। ठीक है, गेट डिटेल। तो गेट डिटेल से सिर्फ आप बस का डिटेल नहीं लेंगे, इससे क्या है पूरे व्हीकल में किसी का ले लो, क्योंकि मल्टीपल रोल परफॉर्म करता है। इसलिए यहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, वो क्या अप्लाई होता है, डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, एक होता है स्टैटिक बाइंडिंग, टाइट कपलिंग, लूज कपलिंग, समझ में आया। कंपोजिशन, एग्रीगेशन, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, एक्सटेंड्स, इंप्लीमेंट्स, तो आप क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, क्लियर हुआ बोलो? यस सर। किसी को डाउट? यस सर, क्लियर है। अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस है यार। देखो चीजें आगे कैसे बनानी है, चीजें कैसे मैनेज करना है, आप आगे चल के सारी चीज बताएंगे। मैं आपको सबकी चीज से फेमिलियर करा रहा हूँ कि आप एक बार सारी चीजों को समझ जाओ कि सारी चीजें यूज कैसे होती है। एक बार यूज पता होगा कि कोड ऐसे लिखी जाती है, यहाँ इसमें ये प्रॉब्लम्स है, यहाँ ये चीजें लिखनी है, ये चीजें नहीं लिखनी है, तो आपको आगे चल के क्लैरिटी आएगी। ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिस रहेगा तभी तो आगे आप स्प्रिंग बूट और बाइकर सर्विस समझ में आएगा। हम लोगों को कोर जावा में क्लैरिटी नहीं रहती है तो वो जाके स्प्रिंग बूट में बोलते हैं सर ये तो मेरे लिए नया लग रहा, मतलब मैंने तो कभी ये सुना ही नहीं है, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो वहां प्रॉब्लम आती है, तो वहां प्रॉब्लम से अच्छा ये है कि यही प्रॉब्लम फेस कर लो, यही सारी लॉजिक समझो। क्या है कि कोर जावा को इतना सिंपल बना दिए हैं लोग कि डायरेक्ट डेफिनेशन थ्योरी, डेफिनेशन थ्योरी नहीं, इसको पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर समझो। जब नहीं मैं अपने स्टूडेंट को क्यों बोलता हूँ कि आपका बेस वीक है, आपका बेस जो है वो आपका वीक है, क्यों, क्योंकि वो कोर जावा ऐसे पढ़ के आते हैं कि सिर्फ डेफिनेशन थ्योरी, अगर उनको कोड दे दिया जाए उनका माइंड वर्क ही नहीं करता है कि अरे सर हम कैसे यूज करेंगे। कोड लिखने का आदत नहीं होता ना कोर जावा में। कोर जावा में क्या लोग सीखते हैं, मेमोरी डायग्राम बना लिए, सॉरी क्या बोलते हैं ये लूप चला लिए, लूप फॉर लूप और कंडीशंस लगा लिए, कंस्ट्रक्टर अप्लाई कर लिए और क्या स्मॉल स्मॉल चीजें कर लिए, कलेक्शन लूप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ये होता है बस काम खत्म, चलो एडवांस पढ़ने। अब एडवांस में आते हैं तो प्रॉब्लम समझ में आती है। ठीक है, सही है सर। चलो यहाँ तक शायद आप लोग को क्लियर होगा। प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, इसमें जो चीजें मैंने बताई है, इंटरफेस ज्यादा से ज्यादा इंटरफेस बनाओ, एक दूसरे को एक्सटेंड करो, इम्प्लीमेंट्स करो, ठीक है, तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। तो इनहेरिटेंस हो गया आज आपका फिनिश। अब बचा है आपको थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूँ 10 मिनट और ले लूं, है यार एक एनर्जी है आप लोगों की, और ले लो सर। हाँ सर, है ना, ठीक है 10 मिनट और दे दो, आपका आज ऊपर ही कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, फिर जो चीजें बचेंगी तो आगे देखा जाएगा।
एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, आप लोग नाम सुने होंगे, पॉलीमॉर्फिज्म का ही है। पॉलीमॉर्फिज्म का रूल्स है, क्या है पॉलीमॉर्फिज्म का रूल? पॉलीमॉर्फिज्म 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 में आता है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक दो चीजें बताया था मैंने, क्या स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग, या फिर बताया था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हमारे पास तो पॉलीमॉर्फिज्म कौन कौन से थे? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कोई कमेंट? सर आज है? सर जा हाँ तू तो एक कोई पढ़ के बता यार, क्या कमेंट लिखा? सर जा रहा हूँ, थोड़ा इमरजेंसी काम आ गया है, जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ सर। अच्छा इमरजेंसी काम, ठीक है। तो चले जाओ, इमरजेंसी काम है तो सभी लोग आते जाते रहते हैं ना। क्या है कि देखो प्रॉब्लम वो नहीं है, कुछ लड़के बोलते हैं सर कोर्स कंप्लीट करा दो, अब डिले ज्यादा हो गया है। मतलब जैसे कि जिनको जॉब चाहिए यार, जो जो डेडिकेटेड है, जो काफी लगे हुए, तो उनको लग रहा है कि सर जल्दी जल्दी कवर करा दो। और कुछ लोग हैं तो उनको लगता है कि कर लेंगे यार, अभी तो बहुत टाइम है, समझे? सर आपको दोनों को ही मैनेज करना है। अब वही है, अब एक बैच में ऐसे लोग फंस जाते हैं, नहीं तो अगर जिनको लगे कि यार बहुत टाइम है, इस महीने नहीं तो अगले महीने, नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद जॉब तो मिल ही जाएगी। ऐसे लोगों को क्या है, वो सोचते हैं कि अरे एक ही दिन में सारा पढ़ लेंगे, क्या फिर बाद में पढ़ेंगे है? और जिनको 1 महीने 2 महीने का टारगेट है कि 2 महीने में सारी चीजें कवर करके मुझे जॉब लेना है, तो उनको तो 2 घंटे के 4 घंटे भी पढ़ाएंगे तो वो पढ़ेंगे, क्योंकि उनको जॉब चाहिए भाई जल्दी। तो इतना भी ज्यादा मैं हार्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ कि चीजें सर के ऊपर जा रही है, सारी कॉन्सेप्ट मैं प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ, रिवाइज भी कर रहा हूँ, डायग्राम भी बता रहा हूँ, तो आप सिर्फ सुनते जाओ, देखते जाओ, धीरे धीरे सारी चीजें आपको क्लियर हो ही जाएंगी, है ना? क्या डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना, हार्ड तो नहीं लग रही है जो चीजें पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर। हाँ ठीक है सुजीत, सुजीत तुमको डिफिकल्ट तो नहीं है ना? यस सर। नहीं आ रहा है सर समझ में, बस वही है थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ता है ना चीजें थोड़ी थोड़ी। हाँ वो तो देखो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, कि अभी एक बार नहीं कि एक ही बार में क्लैरिटी आ जाएगी। ये है कि समझ में आ रहा है कि चीजों को, जो कीवर्ड्स में बता रहा हूँ, जो यूज बता रहा हूँ, वो समझ में आना चाहिए बस। हाँ सर जो बताते हैं वो समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं नहीं आ रहा। अच्छा समझ में आ रहा है सर, ऊपर से नहीं निकल रहा है सर कुछ। हाँ ऊपर से नहीं निकलना चाहिए, समझ में आ रहा है सर, ये तो अंदर थोड़ा वो सारी चीजें मिक्सअप होता है ना सर। हाँ सर थोड़ा कंबाइन हो गया ना चीजें, ये भी वो भी, तो थोड़ा सा उनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है दिमाग में ना थोड़ा सा। सर 100% कॉन्फिडेंस तो सर वो इम्प्लीमेंट के बाद ही आएगा जब प्रैक्टिस करेंगे। हाँ एक बार आप खुद बनाओगे ना, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर, एक बार आप खुद बनाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% क्लैरिटी होगी, है ना? अच्छा
किसको किसको आइडिया है? ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, क्या होता है ओवरलोडिंग, क्या होता है ओवरराइडिंग, बताओ किसी को है आइडिया? नाम सुनाया सर, ओवरलोडिंग सर, ओवरलोडिंग में सर मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो, पूछा इसीलिए सर। ओवरलोडिंग में जो हमारे पैरामीटर्स रहते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, और ओवरराइडिंग में सर लॉजिक डिफरेंट हो जाता है। अच्छा ठीक है, यूज क्या है ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का, क्यों कब यूज करेंगे हम ओवरलोडिंग, कब यूज करेंगे ओवरराइडिंग? बोलो सर, इतना नहीं बता पाऊंगा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बता रहा हूँ। ठीक है देखो, तो ओवरलोडिंग जो होती है कि हम कोई चीज ऑप्शनल, किसी को ऑप्शनल ऑप्शनल देना चाहते हैं कोई चीज का ऑप्शन, कि हमारे पास मतलब ऑप्शन ऑप्शन भी बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स लेना है। जैसे कि आप एक कोई लॉजिक है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, सिंपल सिंपल वर्ड में मैं बोलूं ऐड मेथड है, ठीक है, ऐड मेथड आपने बनाया, तो मैंने बोला कि आप ऐड कर सकते हैं, तो वो ऐड करने के लिए वो बोला कि मुझे ऐड करना है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50, जैसे कि कैलकुलेटर रिजल्ट प्रोवाइड करो, उसने 5 इनपुट्स दिए, 10 को भी ऐड करो, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, एक ही में 5 इनपुट्स दिए, बोले कि ऐड करके बताओ। तो आप सारे जितने भी उसने इनपुट दिए हैं तो उसको कहीं कहीं होल्ड करेंगे, हाँ? देखो जैसे एक मेथड है, ये अभी आ रहे पॉलीमॉर्फिज्म पे बता रहे हैं आपको, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का मतलब बता देते हैं, फिर उसके बाद ध्यान दें, ठीक है? ऐड मेथड वर्ड, ठीक है, वर्ड ऐड मेथड, ऐड करो इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, इंट ए कॉमा इंट बी, इसने कॉल किया ऐड मेथड, पास किया डेटा 10, 20, 10, 20 देगा, ऐड होगा यहाँ, यस, इसने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी। ए प्लस बी ए प्लस बी इक्वल टू इंट सी, ठीक है, इंट सी। अब ये रिटर्न, ये ऐड क्या करेगा 10 प्लस 20, बट मेरी रिक्वायरमेंट है कि यूजर इनपुट दे सकता है 3 इनपुट दे सकता है, ऐड मेथड ऐड करो, मैं चाहता हूं कि वो 10, 20, 30 3 इनपुट्स दे ऐड कराने, तो बताओ ये मेथड कॉल होगा? ये मेथड कॉल होंगे? नहीं सर नहीं होगा, नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे? फर्स्ट पैरामीटर्स के लिए हो जाएंगे, सेकंड वाले के लिए नहीं होगा, सेकंड वाले के लिए नहीं होगा। तो ये मेथड का नेम इस सिचुएशन में चेंज करना होगा, तो मतलब आपकी जो स्क्रीन होगी, डिजाइन होगी कंप्यूटर में, मान लो ठीक है ये स्क्रीन होगी, तो एक बटन आपने बनाया होगा क्या करने के लिए, एक बटन बनाया है ऐड करने के लिए, ऐड एक ही बटन होगा ना, एक की आप यहाँ पास अमाउंट इंटर करें, जैसे कैलकुलेटर में है, कैलकुलेटर में 10 20 30 प्लस करते जाते हैं, वो क्या करता है ऐड करता जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आपने लिखा ऐड कि ऐड करो तो फाइनल रिजल्ट देगा,
ऐड करो तो, लेकिन आपने यहाँ पर दो अलग अलग मेथड बनाए हैं। एक बार आप करोगे तो इस लॉज इसमें ऐड किया, ये आपको ये लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न करेगा डेटा, ठीक है। यहाँ पास स्क्रीन है, यहाँ पास आपने इंटर करवा लिया डेटा 10, 20, 30 जो भी आपने ऐड किया, ऐड करो, ऐड किया, ये लॉजिक एग्जीक्यूट हुई, बट किसी ने एंटर कर दिया 10+20+30, ठीक है, 10+20+30 देन ऐड किया, तो इस टाइम पर कोई लॉजिक नहीं है कि जो 3 इनपुट्स ले और रिटर्न करे, तो इसके लिए आपको एक अलग से मेथड बनाने पड़ेंगे। मान लो आपने एक अलग मेथड बनाया क्या करने के लिए कि अगर किसी को 3 इनपुट्स होंगे तो एक ही क्लास में सेम नेम से दो मेथड बना सकते हैं, सेम नेम से दो मेथड्स। यस सर। हाँ क्या बात है, बट पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए सर। हाँ पैरामीटर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, लेकिन एक ही क्लास से दो सेम मेथड नहीं हो सकते, पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। सेम मेथड बनाओगे तो क्या होगी प्रॉब्लम यहाँ पास। पॉलीमॉर्फिज्म क्लास, क्लास का नेम मैंने रख लिया क्लास ए। इसके पास मैंने एक मेथड बनाया void add method, और इसमें एक इनपुट दिया int a comma int b, int a int b return करो, return a प्लस बी, रिटर्न नहीं डिस्प्ले करा लो, ठीक है, एस आउट ए प्लस बी। दूसरा मेथड मेन मेथड, मेन मेथड का काम क्या है, स्टैटिक, स्टैटिक मेथड। मेन मेथड का काम है कि ए डॉट ऐड मेथड कॉल किया, पास किया 10, 20, आउटपुट बोलो थर्टी आया आउटपुट। यस किधर है, ठीक है, सेम नेम से मैंने बोला कि यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है, वो 3 इनपुट दे रहा था, 30 भी दे रहा, तो यहाँ पास एरर आएगा, ये ऐड मेथड कैपिटल कहाँ से हो गया भाई, एरर आएगी ना, द मेथड ऐड इंट इंट और टाइप इन द टाइप ए इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट, कितना 3 आर्ग्यूमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको क्या लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी, लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी, तो क्या बोलोगे आप, यार लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी 3 इनपुट्स के लिए, और किसी ने 2 इनपुट्स ही पास किया तो, किसी ने 2 इनपुट्स ही पास किया तब, तो फिर से प्रॉब्लम, फिर से लॉजिक, फिर से रॉन्ग होगा, तो आप क्या करोगे कि यार एक काम करते हैं, एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं इस सिचुएशन में, है ना, आपने एक और मेथड क्रिएट किया, अगर दोनों मेथड का पैरामीटर सेम है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो क्योंकि सेम नेम और सेम पैरामीटर मींस कितने हैं 3 पैरामीटर्स, इधर भी 3 पैरामीटर, सेम नेम और सेम पैरामीटर के मेथड आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हाँ मेथड नेम सेम हो सकता है, पैरामीटर डिफरेंट होगा, ठीक है, मेथड नेम सेम होगा, पैरामीटर डिफरेंट रहेगा,
तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। समझ में आया? मेथड नेम सेम, पैरामीटर डिफरेंट, क्या होना चाहिए, मेथड क्या कहलाते हैं, ओवरलोडिंग। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब ऐड मेथड, अब यूजर जो है, यूजर जो यूज करने वाला है उसके पास सिंगल ऐड मेथड है ना, वो 10 देगा तो भी हम ले लेंगे, उसका रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब लॉजिक चेंज करने की जरूरत है नहीं, अब उसने 30 भी पास किया तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो वन मेथड क्या है, एक वन मेथड है और इसके मल्टीपल बिहेवियर, मतलब मल्टीपल्स इनपुट ले सकता है, ठीक है। जैसे कि एक आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है, जैसे कि ओवरलोडिंग का एक आपको रियल टाइम का या प्रीडिफाइंड एक क्लास बता रहा हूँ। देखो प्रीडिफाइंड क्लास क्या है, क्या नाम है, ये प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या है, मेथड है ना। ये मेथड किस टाइप का है, ओवरलोडिंग मेथड, ओवरलोडेड है नहीं, ओवरलोड किया गया है। प्रिंट एलन इंट टाइप का, प्रिंट एलन लॉन्ग टाइप, प्रिंट एलन फ्लोट टाइप। मेथड नेम सेम है, पैरामीटर डिफरेंट है ना, समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। हाँ, मेथड ओवरलोडिंग, क्लियर हुआ। मेथड ओवरलोडिंग क्या है, मेथड नेम सेम, पैरामीटर डिफरेंट, इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या है, मेथड ओवरराइडिंग, यहां से मैं मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। ये जो एग्जांपल है किसका है, मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल है, ठीक। अब मेथड ओवरराइडिंग देखो, इसमें एक सेकंड क्लास भी लेना, कॉपी कर ले। मेथड ओवरराइडिंग जो कहलाती है, देखो एक क्लास सारी लॉजिक क्या सेम है, यहां से ऐड मेथड है, चलो ठीक है, एडी मेथड ले लो। मेथड नेम सेम होगा, लॉजिक क्या होगी, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। मेथड क्या है, यहाँ पास ऐड मेथड है, तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पास ऐड नहीं, यहाँ पास ले लो कुछ मेथड का नेम, गेट, चलो मैं लॉजिक क्या करता हूँ, काम करता हूँ इसको, एबीसी ले लो, ठीक है, एबीसी मेथड, एबीसी और एबीसी मेथड, कोई एबीसी मेथड है, दोनों क्या है, और एक मेथड जो क्रिएट किया गया है, ये कंट्रोल एम पॉलीमॉर्फिज्म क्लास बी।
क्लास बी, क्लास ए को मैंने एक्सटेंड कर लिया किसके अंदर, क्लास बी के अंदर, ठीक है। या फिर चलो एक्सटेंड नहीं करता हूं, तो देखो अगर मैं एक्सटेंड नहीं करता हूं और मुझे क्या करना है, यूज करना है क्लास ए के मेथड को, तो कैसे यूज करूंगा मैं इसको? ऑब्जेक्ट बना के सर, ऑब्जेक्ट बना के यहां से, ठीक है। ये स्टैटिक मेथड, एक काम करते हैं पूरा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एम, कंट्रोल एस, सेव। ये ए मेथड, ये बी मेथड है, इसके पास एक एक मेथड मेथड है एट एबीसी। एबीसी मेथड को हमें क्या करना है, इसको लॉजिक चेंज करनी है, इसकी लॉजिक चेंज करनी है। तो कैसे इसकी लॉजिक चेंज करेंगे? न्यू कीवर्ड से हो जाएगा कि लॉजिक चेंज। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, मान लो एक मेन मेथड है, ये ले लो, ठीक है। मेन मेथड में मैं न्यू ए लिखा, तो इसकी लॉजिक चेंज होगी ए डॉट ए बी सी मेथड। नहीं सर, ऐसे तो नहीं होगी। फिर कैसे होगी? ऐसे तो मेथड कॉल होगी सर। हाँ, ऐसे मेथड कॉल होगी, लॉजिक कैसे चेंज करेंगे इसकी? मैं चाहता हूँ कि ये ए बी सी जो अभी प्लस कर रहा, प्लस कर रहा, और मैं दो इनपुट, तो वो क्या करके दे हमें? माइनस करके दे, लॉजिक चेंज, या मल्टीप्लाई करके दे अपनी क्लास में, ठीक है। तो इसके लिए मैंडेटरी है आपको कि जब भी ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है चीजों को, जो पहले से वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। हमेशा याद रखना कि जो पेरेंट के पास, पेरेंट पहले जो चीजें आपको एक्सटेंड करना है, चीजें के मॉडिफाई करना है, जो वर्जन था ओल्ड वर्जन उसको न्यू वर्जन में कन्वर्ट करना है, हमेशा एक्सटेंड करना पड़ेगा। मीन्स पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होगा तभी हो पाएगा, ठीक है। तो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन आपको मैंडेटरी है बनाना। तो पेरेंट क्लास की चीजों को हम सब क्लास में एक्सेस करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओवरराइडिंग, ठीक है। तो यहाँ पास पेरेंट क्लास कौन है इसका? एक्सटेंड करो, एक्सटेंड्स ए, एक्सटेंड्स ए, एक्सटेंड्स ए हमने किया, और इसके पास कौन सा मेथड है? मेथड का नेम void a b c, और a b c मेथड ये क्या ले रहा है? int int a comma int b, इसकी लॉजिक, लॉजिक क्या हो? सिस्ट्रेस नहीं, यहाँ पास लॉजिक क्या है? एस आउट ए इंटू बी। तो पहले जो थी हमारे पास क्या था, क्लास बी का, सॉरी हमारे पास एक क्या, पहले जो हमारे पास लॉजिक थी एबीसी की, वो क्या रिटर्न करता था? प्लस, कोई भी टू डिजिट आप पास करो वो हमें उसका प्लस रिटर्न करके देगा। लेकिन अब जो लेटेस्ट जो डेटा आया है कि आप दो डेटा पास करोगे एबीसी को, मींस टू इनपुट्स दोगे, तो वो क्या देगा? मल्टीप्लाई देगा, है ना। तो क्या किया आपने? लॉजिक चेंज कर दी ना, मेथड नेम सेम है, इनपुट भी सेम है, मींस पैरामीटर भी सेम है, लेकिन लॉजिक दोनों के चेंज है। एक पेरेंट क्लास क्या करता है? प्लस करके देता है, और चाइल्ड क्लास क्या करता है? मल्टीप्लाई करके दे रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका? क्लास बी का, न्यू बी, ठीक है।
क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पास b.abc मेथड पास किया 20 25, क्या आउटपुट आएंगे बोलो? कितना आएगा? हंड्रेड। गुड, ठीक है, चलो। तो यहाँ पास क्या है? 100। क्यों? ये पहली प्रायोरिटी देखो, जब भी यहाँ एग्जीक्यूशन की बात आएगी, जब ये हम कॉल करते हैं, तो ये पेरेंट, सॉरी, चाइल्ड टू पेरेंट ट्रेवल करता है। पहले चाइल्ड सर्च करता है, चाइल्ड में डेटा अवेलेबल है या नहीं, सॉरी, वो मेथड अवेलेबल है या वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है या नहीं। यहाँ अगर अवेलेबल है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होगी, अगर नहीं है अवेलेबल तो सुपर के पास जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग, क्या बोलते हैं यार इस प्रोसेस को? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग हमेशा हम कहां अचीव करते हैं? पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन। तो इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, लॉजिक, इसको ओवरराइडिंग बोलते हैं, ठीक। ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। अब सर, अगर यहाँ पे मैं ए का पेरेंट, मतलब ए का ऑब्जेक्ट बनाता पेरेंट का, तब भी ये हमारी चाइल्ड क्लास की मेथड इनवोक होती? यहाँ ये इसकी बात कर रहे हैं, ए क्लास रेफरेंस है ना? नहीं सर, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ए की पेरेंट, ये ऐसा। हाँ नहीं, ये तो आप तो इसको बोल रहे हैं ना कि ए को जाओ, ए की क्लास के पास की, ए के मेथड का ऑब्जेक्ट ही ए का है, तो वो अपनी मेथड को सर्च करेगा ना। अच्छा, तब वो सर फिर चाइल्ड की मेथड को नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, चाइल्ड का नहीं, अब तो उसके पास जाएगा सबसे पहले। मैंने क्या बोला, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने अपने क्लास को देता है, उसकी क्लास कौन सी है, उसका ऑब्जेक्ट किसका? ओके सर, समझ गया। हाँ, तो जो जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये फर्स्ट, अब ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो पहली प्रायोरिटी क्या देगा, अपनी खुद को देगा। फिर इसके बाद ये इसके पास नहीं होगा तो ये अपने से सुपर के पास जाएगा। अगर उसके पास भी नहीं होगा तो वो उसके सुपर के पास जाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं, इसके पास अवेलेबल नहीं है, चाइल्ड के पास आ जाए, तो बताओ चाइल्ड के पास आएगा? हाँ, पेरेंट का भी चाइल्ड नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। तो क्या करना होगा हमें उसके लिए? टाइप कास्टिंग। कौन सी कास्टिंग? डाउन कास्टिंग। याद आया? डाउन कास्टिंग, डाउन कास्टिंग याद आई? यस सर। हाँ, तो चलो मैं आपको कल डाउन सर, आए हाँ कल बता दूंगा डाउन कास्टिंग क्या, बाकी मैंने बताया है, आप लोग को मालूम ही होगा, तो आप लोग एक बार ट्राई कर लेना डाउन कास्टिंग। तो यहाँ देखो, अगर मैंने बोला कि तो सर ये चीज तो ये रन टाइम पे डिसाइड करेगा ना, या कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगी? क्या ओवरराइडिंग? ओवरराइडिंग हमेशा रन टाइम पर डिसाइड किया। हाँ ठीक है, ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मींस ये, इसलिए मैंने यहाँ पर बताने, मैं लिखा था बताने के लिए, कहाँ चला गया पॉलीमॉर्फिज्म, किधर चला गया ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट किया था कि ये ओवरलोडिंग हम अचीव करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और ओवरराइडिंग जो अचीव होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पे हमें पता चलता है कि क्या डेटा क्या करना है, लॉजिक को रीराइट करना है, कौन सा नहीं, ठीक है। तो चलो आगे, ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन होगा तो कल क्लियर हो जाएगा, कल मैं सारी चीज़ बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आया, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है? समझ में आया नहीं? यस सर, यस। हाँ, यस सर। अगर मैं क्लास बी को बोलूं फोर्सफुली कि यहाँ एक मेथड मैंने बनाया, ठीक है, मेथड वॉइड, वॉइड मेथड एक बनाया एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड मेथड, और मैंने कॉल किया ए बी सी मेथड, ए बी सी मेथड मैंने कॉल किया, ठीक है। इसको पास करना है क्या, दो इनपुट्स, दो इनपुट्स पास करोगे,
तो इसको मान लो मैंने, अब ये लॉजिक अलग है, ये अलग लॉजिक अलग है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको भी इनपुट टाइप बना दो, ठीक है, इंट आई कॉमा इंट जे। और हम चाहते हैं कि जब भी हम एक्स वाई जेड का को कॉल करें, क्लास बी है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और बी डॉट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इसको हमने पास किया 30, 30, 30, 50। जब भी मैं इसको एक्स वाई जेड को कॉल करूं तो ये रिटर्न करे एबीसी का डेटा। एबीसी में क्या है, आई और जे की वैल्यू, ठीक है। तो अब बताओ ये आउटपुट किसका देगा, ये एबीसी दोनों क्लास के में अवेलेबल, तो किसका आउटपुट आना चाहिए हमें, एक्स वाई जेड का। यार अभी तो बी क्लास का ही आएगा, अभी तो बी क्लास का आएगा, है ना, सही। यहाँ पास क्या आएगा, बी क्लास का, ठीक है, 30 and 50 मल्टीप्लाई किया। लेकिन हम चाहते हैं फोर्सफुली, फोर्स कर रहे हैं कि नहीं, आप करंट क्लास का नहीं, अगर करंट क्लास का अवेलेबल है तो भी मुझे करंट क्लास का नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एबीसी में ये मेथड क्या एग्जीक्यूट करो सुपर क्लास का। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, करंट क्लास के एबीसी को यूज करने के लिए यहाँ पास सुपर कीवर्ड। हाँ, तो मैं यहाँ पास लिखूं सुपर कीवर्ड, सुपर सुपर डॉट एबीसी और पास कर दो आई और जे, ठीक। अब बोलो एटी और फिफ्टी किसको, सॉरी इसको रिमूव कर लो, ये कमेंट कर लो। तो ऑब्जेक्ट किसका है, इसी क्लास का है, लेकिन हमने क्या किया, फोर्स किया है किसको, सुपर क्लास के एबीसी मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो दोनों मेथड है, तो करंट क्लास के एबीसी मेथड को और सुपर क्लास एबीसी मेथड दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट करना है एक ही साथ। तो आप एबीसी एबीसी कैसे लिखेंगे, दोनों मेथड एग्जीक्यूट करना है, सुपर और पैरेंट, पैरेंट और सुपर को दोनों एक साथ एग्जीक्यूट करना है, ओल्ड लॉजिक और न्यू लॉजिक। सर करेंट में सर डॉट एबीसी लगा देंगे सर, और पेरेंट में सुपर डॉट। हाँ ठीक है, तो एक में आप या दिस डॉट लगा दो, दिस डॉट और इधर सुपर डॉट, तो ये आपको रिटर्न कर देगा आपको। यहाँ दिस डॉट मीन्स मल्टीप्लाई और सुपर डॉट मीन्स प्लस। तो मेरे को लग रहा क्लियर हो रहा सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आप लोगों को, दिस कीवर्ड सुपर कीवर्ड दिस मेथड काफी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। यस सर, यस सर। तो जो चीजें मैंने आपको पढ़ने में प्रैक्टिस कराते रहता हूँ, यूज करते रहता हूँ। अब इसमें कंस्ट्रक्टर का यूज भी है, कंस्ट्रक्टर का क्या है, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट में कैसे चीजें परफॉर्म करते हैं। तो खैर उस सारी चीजें मैं आपको पूरा बता दिया हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करिए छोटे छोटे पार्ट को। और मैं आपको आज तो चलो मान लो क्या है, कौन सा दिन हो गया, फ्राइडे सैटरडे संडे, कुछ दिन तो ऑफ ही चलेगा, फिर स्टार्ट करेंगे एरे एरे और कलेक्शन स्टार्ट होगा वहां से। एक होता है मेथड हेडिंग, मेथड हेडिंग देख लो क्या, बोलो सर। कल क्लास की पूछ रहा था, कल क्लास सर 2 बजे रहेगी, यही टाइम रहेगा क्या? कल क्लास मुश्किल है यार, देखता हूँ, नहीं तो इसीलिए तो आज कवर कर रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है सर, ओके सर, हाँ इसलिए आज सारा कवर कर रहा हूँ। आप लोग सब इसको डेफिनेशन आप लोग प्रिपेयर करो, गूगल पे मिल जाएगा यार, गूगल पे डेफिनेशन मिल जाएगा, एक बार सर्च करना डेफिनेशन मिलती जाएगी, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बस मैं टॉपिक आपको बता देख लेगा। हाँ हाँ प्रिपेयर करता, और हो सकेगा तो जब आप लोग का इंटरव्यू कराएंगे ना तो उस टाइम पे मैं आप तब तक मैं प्रिपेयर कर दूंगा आपको पूरा इंटरव्यू, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर फिर प्रोवाइड कर दूंगा आपको उस टाइम पे, फिर प्रिपेयर कर लेना। अभी के लिए आप लोग गूगल पे सर्च कर लो,
ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेथड हमारा हो गया, मान लो मेथड M1, एक मेथड है M1 और S out या कंट्रोल Z sys out, sys stress यार ध्यान कहाँ चला जाता है, sys stress जो है ये execute होगा और सॉरी ये प्रोसेस को भी कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, मेथड ओवरराइटिंग, ठीक है इसको क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइटिंग। इस मेथड को ओवरराइड किया गया कहां, ठीक है लॉजिक चिन्ह दोनों का। नेक्स्ट मेथड ओवरराइडिंग के बाद आता है मेथड हेडिंग। मेथड हेडिंग कैसे अचीव करते हैं, मेथड हेडिंग जैसे कि ये क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है और हमें स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड स्टैटिक वॉइड M1 सिस स्ट्रेस, सिस स्ट्रेस और स्टैटिक वॉइड M1 this एक क्लास दूसरे क्लास में इंटर कर। अब यहाँ हमने क्रिएट किया b और m1, b dot m1, लॉजिक किसके एग्जीक्यूट होगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है इसको नहीं ना, तो पहले स्टैटिक मेथड है तो क्लास के नेम से डायरेक्ट कॉल हो जाएगी। हाँ क्लास के नेम से डायरेक्ट कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा इसका, bm1, तो लॉजिक b.m1, हाँ तो किसकी लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही है, करंट क्लास की, ठीक है। तो ये सुपर क्लास के जो स्टैटिक मेथड है इसके क्या किया गया, यहाँ पास हाइड किया गया है, ठीक है। तो इसको भी ओवरराइडिंग बोलते हैं, लेकिन ओवरराइडिंग हमेशा होती है के लिए नॉन स्टैटिक के लिए, स्टैटिक मेथड्स को जो कहलाता है, क्योंकि ये वन टाइम जो होती है मेमोरी प्रोवाइड की जाती है, इसलिए ओवरहाइडिंग की जाती है, ओवरहाइडिंग सॉरी ओवरहाइडिंग बोलो हाइडिंग, मेथड हाइडिंग, ये मेथड हाइड हाइडिंग कहलाती है। स्टैटिक मेथड को क्या करना है, सब क्लास में एक्सेस करना क्या कहलाता है, या रीराइट करना, तो बोलते हैं मेथड हाइडिंग, ठीक है। yes. तो इसके मेथड को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करोगे सुपर क्लास के, बोलो यार कैसे सर सुपर क्लास के सर वो ही दिस सुपर लगाना पड़ेगा, सुपर लगाना पड़ेगा सर। दिस कहां से लगाओगे, दिस तो नहीं सर, सुपर उसके लिए पेरेंट की, हाँ अगर यहाँ डायरेक्ट क्लास के नेम कॉल कर देंगे, अब बोलोगे कि b डॉट या सॉरी दिस डॉट m1, वो सर दिस नहीं सर, दिस नहीं सर दिस क्योंकि स्टैटिक है ना,
स्टैटिक मेथड है तो नहीं नहीं सर दिस नहीं आएगा फिर क्लास सर ए डॉट एम ऑन एम ऑन भी कर सकते ए डॉट एम ऑन ठीक है यस सर लेकिन ए डॉट एम ऑन करोगे या तो फिर क्या करोगे डॉट सर सुपर कीवर्ड से हां बता रहा हूं ए डॉट क्या चल रहा है कंट्रोल जेड क्लास का नेम क्या है ए डॉट सुपर डॉट एम वन ऐसा नहीं सर ओनली सुपर डॉट एम वन कर सकते हैं ओनली सुपर डॉट एम वन सर ए डॉट एम वन भी तो कर सकते हैं सर डायरेक्ट सर हाँ ए डॉट एम वन करेंगे ठीक है स्टैटिक मेथड ठीक है ए डॉट एम वन सर दिस सुपर का सर सिर्फ नॉन स्टैटिक में यूज कर सकते हैं ना सर हाँ नॉन स्टैटिक ठीक है अब जैसे यहाँ मैंने बोला इस मेथड में किसको कॉल करो स्टैटिक में नॉन स्टैटिक मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं दिस डॉट एबीसी मेथड पॉसिबल है नहीं नहीं कर सकते लेकिन मैंने बोला ठीक है यहाँ ये मेथड है इसमें कॉल करो सुपर डॉट एबीसी यस पॉसिबल है पॉसिबल ठीक है अब मैंने बोला सुपर डॉट क्या नाम है एम वन मेथड यहाँ पास नॉन स्टैटिक में कॉल कर सकते हैं ठीक है अब मैंने बोला दिस डॉट एम वन मेथड दिस डॉट तो नॉन स्टैटिक में भी कॉल कर सकते हैं लेकिन स्टैटिक में नहीं कॉल कर सकते स्टैटिक जो है यहाँ नहीं तो इसका जो यूज होता है कहाँ नॉन स्टैटिक मेथड्स में होता है स्टैटिक वेरिएबल्स में नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स का एक्सेस करने के लिए नॉन स्टैटिक इधर अब ये अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी तो यहाँ पास एरर देता है क्या बोलेगा कैन नॉट यूज सुपर इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट ठीक है तो स्टैटिक के केस में यहाँ पास हम अप्लाई नहीं करेंगे ठीक है क्लियर तो यहाँ पास स्टैटिक के केस में हम क्या यूज करेंगे एम वन मेथड करंट क्लास का या सुपर क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए इसको मेथड हाइडिंग क्योंकि हम क्या करेंगे क्लास के नेम से इसको डायरेक्ट कॉल करते हैं तो क्लास ए अगर आपको करंट क्लास का चाहिए तो क्लास ए डॉट एम वन मेथड क्लास ए डॉट एम वन मेथड और अदरवाइज ये है ये इस प्रोसेस को बोलते हैं मेथड हाइडिंग ठीक है नहीं तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको क्लास बी तो बी ए बी क्लास का पहले देगा बी क्लास के एम वन को एग्जीक्यूट करेगा वहां आपने इंटरनली क्या किया है ए क्लास के डेटा को रिटर्न किया ठीक है अब वो सी चीजें मैंने आपको बताया है कि अगर वो मान लो इसमें अवेलेबल है तो मिलेगा नहीं तो फिर सुपर क्लास के पास तो फ्लो आपको मालूम है आपको रिवाइज करते रहना सारी चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी ठीक है यहाँ देखो तो ए एम वन यहाँ से इसको कॉल किया सुपर की सुपर को और बी जो है ये सब क्लास की तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेथड हाइडिंग हम ये क्लियर हुआ मेथड हाइडिंग क्लियर हुआ ओवरराइडिंग जो होती है नॉन स्टैटिक के वेरिएबल्स मेथड्स को बोलते हैं और मेथड हाइडिंग जो होती है स्टैटिक को बोलते हैं ठीक है और ओवरलोडिंग जो होती है वो करंट क्लास में सेम मेथड को सेम मेथड नेम सेम डिफरेंट पैरामीटर्स होने चाहिए वो क्या कहलाते हैं मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग मेथड नेम सेम पैरामीटर सेम दो सब चीज सेम होना चाहिए लॉजिक डिफरेंट लिख लो कोई दिक्कत नहीं मतलब कुछ भी हो लॉजिक आपका उससे कोई मतलब नहीं ठीक है अगर सेम होगा तो कोई मतलब लिखने का नहीं ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है हाँ लॉजिक जब आप चाहते हैं चेंज करना तभी तो आप ओवरराइड करेंगे अगर सब कुछ सेम है तो आप क्या करेंगे उसको यूज कर लेंगे yes. ठीक है चलो इसको मैं करता हूँ यहाँ पास से कट और इसको भी कट करता हूँ और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मेथड हेडिंग
चलो आज से आप लोग को ऊप्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है, ज्यादातर कॉन्सेप्ट मैंने कवर ही कर दिया है, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, जो भी बचा होगा आगे के चैप्टर में देखेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे सारी चीजें। इतना प्रैक्टिस कर लो, फिर सीरियलाइजेबल क्या होती है, सीरियल आईडी कैसे जनरेट करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, क्लोनेबल क्या होती है, क्लोन कैसे बनाते, कंपैरेटर कंपैरेबल, अब सारी चीजें आगे क्लास में आपको मिलेंगे। जितने इंटरव्यू का टॉपिक ऊप से स्टार्ट हो गए, ये सारे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे सारे टॉपिक्स, मेथड हेडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, है ना। ये अब चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया, फटाफट करो तैयारी करो, इंटरव्यू कराना है 2 महीने के अंदर, जिसको 2 महीने में ज्वाइनिंग लेना है ठीक है वो तैयार हो जाए 2 महीने के बाद, क्योंकि उसका भी एक एक लड़के का मैंने भेज दिया रिज्यूमे ज्वाइनिंग उसके लिए, फ्रंट एंड वाले के लिए। जी सर, फ्रंट एंड का था, फ्रंट एंड का भेज दिया है, उसका 1 तारीख को इंटरव्यू है। तो सर आप करवा देंगे क्या इंटरव्यू? हाँ करवा रहे हैं ना इंटरव्यू, इंटरव्यू भी करा रहे हैं, ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं सर। कॉल करो। और सर मैं ये कह रहा था ऊप्स के कॉन्सेप्ट को मतलब उस पे और अच्छी कमांड करने के लिए क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें सर? हाँ, ऑनलाइन या फिर आपके पास कोई पीडीएफ वगैरह? मैं दूंगा, बताऊंगा ठीक है क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना, मैं सारी चीजें आपको क्या है अभी ट्रेनिंग भी दूंगा, सैटरडे संडे को किसी दिन बैठेंगे तो देंगे। अभी क्या है रमजान सिर्फ चल रहा है तो अभी हाँ, सर। थोड़ा सा रेस्ट कर लें फिर ईद बाद से आप लोग की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, लॉजिक देंगे, लॉजिक सॉल्व कराएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा देंगे, है ना, सब कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों का। बोलो सर, स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट ईद बाद, मतलब कलेक्शन कंप्लीट होने के बाद होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, मेथड आईडी, है ना। यहाँ पास क्या है, रीराइट किया जा रहा है इसके मींस जो स्टैटिक मेथड है इसके लॉजिक को रीराइट करना सब क्लास में क्या कहलाता है, मेथड हेडिंग, और नॉन स्टैटिक मेथड को रीराइट करना सब क्लास में कहलाता है ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग। क्लियर? तो ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया, मेथड हेडिंग, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। अब नाम आपको सुनने में आएगा कभी, ओवरलोडेड ओवर रिडन, तो ओवरलोडेड ओवर रिडन क्या मतलब है? अभी आपको सुनने में आएगा ना कि अरे यार ये तो ओवरलोडेड मेथड है, ये मेथड ओवर रिडन मेथड है, रिडन और लोडेड। हाँ इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये ओवरलोडेड मेथड विद सेम लेवल बट डिफरेंट पैरामीटर। हाँ जैसे कि ए ए ए सॉरी एक क्लास ए के अंदर ऐड मेथड जो है इसको इसने क्या किया, ओवर लोडिंग, तो किसको ओवरलोड किया गया है, मींस इसको ओवरलोड किया गया है तो ये क्या कहलाएगा, ओवरलोडेड मेथड, क्योंकि फर्स्ट जो होगा प्रीवियस, अरे इसमें प्रेजेंट पास्ट में आप काउंट करें जैसे टेंस होती है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, पास्ट टेंस क्या कहलाएगा, ओवरलोडेड, प्रेजेंट क्या है, जिस मेथड को ओवरराइड किया जा रहा, सॉरी उसको ओवरलोडिंग, क्योंकि हम किसको मेथड कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसको ओवरलोडिंग किया जा रहा है, तो ओवरलोडिंग मतलब वो पहले से बनी हुई है उसी का हम ओवरलोड कर रहे हैं, तो जो पहला है पिछला ओवरलोडेड, पास्ट में पास्ट हो गया ना, समझ में आया? पास्ट टेंस यार, पास्ट टेंस में चले जाओ सीधे टेंस, ओवरलोड ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग, ये ऐड मेथड ये नीचे वाला ओवरलोडिंग है और ये ऊपर वाला ओवरलोडेड है, क्यों, क्योंकि इसी के बेस पे हमने इसको क्या किया है, लोड किया, तो इसको लोड किया जा रहा है, इसको लोड किया गया था ओवरलोडेड मेथड इसके बेस पे, उसी तरह से ओवरराइडिंग ओवररिडन,
तो ओवर रिडन, ये ओवर रिडन जो है ये ओवर रिडन मेथड है, इसी को हमने क्या किया ओवर राइडिंग, यहाँ ओवर राइड किया जा रहा, यहाँ पास हमने क्या किया क्लास बी में ओवर राइडिंग किया है, लेकिन किसको किया है ओवर रिडन मेथड कौन है ये है। ये पहले से जो प्रेजेंट है ओवर रिडन मेथड होगा, और जो हम उसको क्लास सब क्लास में ले तो उसको क्या कहेंगे ओवर राइडिंग। क्लियर हुआ? हाँ बोलो। हाँ सर क्लियर है सर। हाँ तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि कोई बोले ओवरलोडेड ओवर रिडन मेथड क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाए सर, सर ने ओवरलोडिंग बताया है, ओवरलोडेड ओवर रिडन क्या होता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के जितने भी टूल्स और टर्मिनोलॉजी है ऑलमोस्ट मैंने सारे डन कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। हाँ बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो इम्प्लीमेंट करते जाएंगे धीरे धीरे। चल और बोलो, कोई डाउट कुछ पूछना है किसी को, कुछ प्रॉब्लम? उसका चैप्टर काफी लंबी हो गया है। ओहो कितने दिन चला यार उस कॉन्सेप्ट, एक हफ्ता हो गया, मंडे से स्टार्ट हुआ ना? नहीं सर इसी वीक में चला था सर, पांच हाँ सर एक हफ्ते ही हो जाएंगे सर, आज आपने दो क्लास ली। हाँ दो क्लास ले लिया ना एक हफ्ता, हाँ तो एक हफ्ता लग गया। तो चलो आप लोगों का काफी जल्दी खत्म हो गया उस, नहीं तो एक एक घंटे क्लास चलती तो कम से कम मुझे लग जाता 15-20 दिन लग जाता, धीरे धीरे बताते बताते 15 दिन तो लग ही जाते, दो हफ्ते लग जाते उस कॉन्सेप्ट में। अब दो दो घंटे आपका डेली चल रहा है, 1.5 घंटा 2 घंटा तो सारी चीजें कवर हो गई है ना। चल बिल्कुल सर। अब आप लोग मिलेगा कब, सीधे होली बात, मैं भी अब रेस्ट करूंगा, आप लोग भी एंजॉय कीजिए होली। अब स्टार्ट होगा आप लोगों कौन सा कॉन्सेप्ट, ट्यूसडे को मिला एरे स्टार्ट होगा, कलेक्शन स्टार्ट होगा, स्ट्रिंग हैंडलिंग, इसके बाद आईओ स्ट्रीम मल्टी थ्रेडिंग, सॉरी हाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग आईओ स्ट्रीम मल्टी थ्रेडिंग, इसको कंप्लीट करने के बाद जावा 8 फीचर स्टार्ट होगा, जावा 9 थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि वो पेड कोर्स है, वो पेड कोर्स मतलब कि ये उसकी फीस अलग से लगेंगी, जावा 9, 10, 11 क्योंकि इस समय काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों बताने के लिए, तो कभी आपको पढ़ना होगा तो मैं बता दूंगा मॉड्युलैरिटीज कैसे आजकल आज यूज की जाती है। जावा 8 तक आपके लिए सफिशियंट है क्योंकि आपको इंटरव्यू देना है। हाँ कंपनी में आजकल देखने को मिल रहा है लोग जावा 9 भी यूज कर रहे हैं क्योंकि काफी इजी है, काफी बेस्ट है जावा 9 जावा 11, तो मॉड्युलैरिटी पर्पस के लिए काफी अच्छा है। तो जब आप लोगों को करना होगा पहले जॉब ले लेना, या फिर अगर नहीं इंटरेस्टेड होंगे तो आप बता दूंगा मैं, इसके लिए अलग फीस लगेगा, चार्ज लगेगा, ठीक है करा देंगे। जावा 8 तक का लोग अलग से चार्ज लेते हैं हर लेकिन मैं जावा 8 आप लोग के लिए फ्री रखा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी में सारी चीजें पढ़े, इंटरव्यू दें, इंटरव्यू पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है सर। ट्यूसडे का सर टाइम यही रहेगा ना सर अगले वीक में? नहीं नहीं अब टाइम चेंज करना है मुझे शायद, राइट मैं सोच रहा था इवनिंग का कर दूं, इवनिंग में वही सेम टाइम कर देते हैं, लेकिन ठीक है सेम टाइम 9 बजे से मॉर्निंग और इवनिंग में, हाँ 9 PM में था ना आप लोग का 9 PM से, हाँ वो रहेगा, और 8 बजे से रहेगी आपकी जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट हो जाएगा होली बाद से, है ना। और ट्राई करो यार न्यू बैच के लिए, आप लोग न्यू बैच के लिए मुझे yes. न्यू बैच बनाना है नेक्स्ट वीक से, होली बाद से न्यू बैच बनाना है, ठीक है तो कोशिश करो स्टूडेंट बात करो। होली पे सर मिलना जुलना होगा लोगों से तो सर बताएंगे वो। हाँ हाँ सभी लोग करना, और ये मैं यूट्यूब पे अगर डालता भी तो स्टेटस वगैरह आप लोग फेसबुक पे अपने शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, सभी लोग लगा दिया करो तो उससे भी स्टूडेंट आएंगे पता चलेगा, ठीक है। तो ठीक है।